हेलो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ पॉइट्स एंड पैनकेक्स फ्रॉम योर बुक फ्लैमिंगो ठीक है तो अगर आपको आप इस इंटेंशन uh, के साथ अगर इस वीडियो को देखने के लिए बैठ रहे हो कि आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से समझना है देन आई एम मेकिंग यू प्रॉमिस आई एम गिविंग यू श्योर कि uh, आप इस चैप्टर में कहीं भी किसी तरीके की कि कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ठीक है एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू सब कुछ आपको बिल्कुल विल, क्लियर हो जाएगा सो लेट्स बिगिन विद मी यहाँ पे क्या है इस चैप्टर के अंदर एक एक इंसिडेंट को आपको कोरिलेट करते हुए चलना है बहुत इजी चैप्टर है इवन स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बहुत टफ चैप्टर की तरह कंसीडर करते हैं ठीक है लेकिन ये चैप्टर जितना इजी है उतना इजी शायद कोई और चैप्टर्स बुक का ना हो ठीक है तो देखिए पोइट्स एंड पैनकेक्स इस चैप्टर का पहले तो टाइटल पोइट्स एंड पैन क्यों पड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पोइट्स जो है इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे पोइट्स को डिस्क्राइब किया गया है काफ़ी सारे पोइट्स के बारे में बताया गया है दूसरा चीज पैन केक्स पैन केक्स जो है एक ब्रांड नेम है किसका मेकअप आर्टिकल्स का मेकअप ऑब्जेक्ट्स का मेकअप के सामान का ठीक है जैसे कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स है इसके कई सारे प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए आते हैं तो ऐसे ही मेकअप के uh, भी एक मेकअप के एक प्रोजेक्ट का नाम uh, उसका प्रोडक्ट का नाम पैनकेक्स था ठीक है तो आगे देखिए अबाउट द ऑथर अशोक मित्रन जो है इसके वो राइटर हैं एंड ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन एक तमिल राइटर थे वो एंड ही रिकाउंट्स हिज इयर्स एट जैमिनी स्टूडियोज और इस चैप्टर में क्योंकि वो एक ऑथर है लेखक है इस चैप्टर में वो क्या कर रहे हैं रिकाउंट्स कर रहे हैं आपने उन ईयर्स uh, को अपने उस टाइम को व्हेन ही वाज देयर इन जैमिनी स्टूडियोज जब वो अपने uh, एक स्टूडियो uh, में जैमिनी स्टूडियो में काम करते थे इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस और उन उन्होंने एक बुक लिखी थी माई ईयर्स विद बॉस ठीक है मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि बॉस कौन है किसके ईयर्स ठीक है तो विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया तो आगे जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि जैमिनी स्टूडियो की जो उनकी यादें थी वो उन्होंने एक बुक के अंदर लिखी थी और उस बुक का नाम था माय ईयर्स विद बॉस ठीक है जिसमें कि उन्होंने मूवीज के बारे में मूवीज़ के हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में इंडिया में किस तरीके से मूवीज़ बनती थीं क्या इन्फ्लुएंस था उनका ठीक है तो इन सारी चीज़ों की बात उन्होंने की है अपनी उस बुक के अंदर माई ईयर्स विद बॉस ठीक है आगे देखिए लोकेटेड इन चेन्नई चेन्नई और ये जो था, ये जो स्टूडियोज था था में था वो सेटअप इन नाइन और 1940 में इसको सेटअप किया गया था इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग इंडियन फिल्म मेकिंग के अर्ली डेज में यानी कि इंडियन फिल्म मेकिंग के शुरुआती वर्षों में शुरुआती uh, चरणों में ये जो ऑर्गेनाइजेशन था काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक था ठीक है आगे इट्स फाउंडर वाज एस एस वासन देखिए स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस पूरे ही चैप्टर में एस एस वासन के नाम को आपको बहुत ध्यान रखना है एस एस वासन जो है एक तो फाउंडर है किसके जैमिनी स्टूडियोज के और दूसरे बॉस भी है किसके ये जो अपने अशोक मित्रन साहब हैं राइटर हैं इस चैप्टर के उनके बॉस भी हैं ठीक है थीके? तो अशोक मित्रन जो थे वो जैमनी स्टूडियो में काम करते थे और उसके फाउंडर कौन थे एस एस वासन इसलिए अशोक मित्रन को पूरे चैप्टर में बॉस कहेंगे ठीक है आगे देखिए द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जामनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग्स और अशोक मित्रन जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं उनकी ड्यूटी क्या थी इस जामनी स्टूडियो के अंदर क्या करना कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग्स न्यूज़ पेपर की क्लिपिंग्स को कटआउट करना उनकी ड्यूटी थी ऑन अ वाइड वराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर दैम अ फाइल यानी कि जो भी उनको इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वहाँ पे लगता था न्यूज़पेपर के अंदर उसको वो कट करते थे और उनको स्टोर करते थे फाइल्स के अंदर ठीक है एंड मैनी ऑफ दीज है आउट बाय हैंड और कई सारी चीज़ों को कई सारे सब्जेक्ट्स को मैनी ऑफ दीज इनमें से हैंड रिटर्न भी होते थे जिनको वो अपनी फाइल्स में स्टोर करते थे कुछ ऐसी भी चीजें थी जो उन्हें इंपॉर्टेंट लगती थी और वो उनको अपने फाइल्स में स्टोर करते थे मैनी ऑफ दिज यस वी हैव डन ऑल दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल मेम्बर्स ऑफ द जैमनी फैमिली ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट देखिए इनसिग्निफिकेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है मतलब अनइम्पॉर्टेंट ठीक है इनसिग्निफिकेंट मीन्स अनइम्पॉर्टेंट एक अनइम्पॉर्टेंट तरीके का इनका काम था फंक्शन था बट ही वॉज द मोस्ट वेल इंफॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द जैमनीज फैमिली लेकिन जैमनी फैमिली के सारे ही जो दूसरे मेंबर्स थे उनमें वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर कौन थे अशोक मित्रन जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं आगे देखते हैं द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक My ईयर्स विद बॉस और ये जो अब चैप्टर अपने uh, सिलेबस में आया हुआ है ये जो चैप्टर ये पार्ट है किसका फ्रॉम सॉरी uh, बुक का जो बुक किसकी है अशोक मित्रन की है My ईयर्स विद बॉस तो बॉस कौन है यहाँ पे उनके एस एस वासन है तो वासन जी साहब को यहाँ पे वो बॉस बोलते हैं और उन, उनको लेके उन्होंने एक बुक लिखी थी और जिसका टाइटल था माई ईयर्स विद बॉस ठीक है तो उस ही बुक का एक पार्ट उन्होंने यहाँ पे आपके सिलेबस में इंक्लूड वहां से हुआ है ठीक है लेट सी मूव फर्दर लुक एट द चैप्टर नाउ चीजों को आपको कोरिलेट करते हुए चलना है चैप्टर बहुत ईजी है ठीक है एक एक करके इन इसके जो करेक्टर्स हैं वो आते जाएंगे और करेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर्स हैं तो देखिए पैनकेक्स वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जैमनी स्टूडियोज ब्रॉट इन ट्रक लोड्स पैनकेक क्या था एक ब्रांड नेम था किसका मेकअप मटीरियल का दैट जैमनीज स्टूडियोज ब्रॉटअप इन ट्रक लोड्स जिसको जैमनीज स्टूडियो ब्रॉट करता बॉट करता था सॉरी बी ओ यू जी एच टी बॉट बॉट मीन्स खरीदता था इन ट्रक लोड्स ट्रक लोड्स का मतलब है ट्रक भर के या फिर आप ये कहो दैट इन अ बिग अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदता था आगे देखते हैं तो मैंने बताया कि पैनकेक्स क्या था वॉट वॉट वॉज पैनकेक्स तो पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल आगे देखिए ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट अब आगे राइटर क्या बोलते हैं अशोक मित्रन जी वो बोलते हैं कि ग्रेटा गार्बो जो थी ना शी वॉज अ स्वीडिश एक्ट्रेस uh, थी तो ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट उन्होंने भी इसको यूज़ किया होगा मिस गोहलर मस्ट हैव यूज्ड इट और जो मिस गोहलर थी शी वाज आल्सो एन एक्ट्रेस उन्होंने भी इसको यूज़ किया होगा तीसरा बोलते हैं वैजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट वैजयती माला जी ने भी इसको यूज़ किया होगा बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट लेकिन रति अग्निहोत्री वो थोड़ी uh, बाद में एज एन एक्ट्रेस आई थी तो उन्होंने शायद इसको सुना भी ना हो इवन ही शॉरी रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट इसको सुना भी ना हो उन्होंने रति अग्निहोत्री ने आगे देखिए द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ़ द जैमनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग जो मेकअप डिपार्टमेंट था जैमिनी स्टूडियोज का वो कहाँ था अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग एक बिल्डिंग के ऊपर यानी कि जो नेक्स्ट फ्लोर था वहां पे था दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल जिसको ऐसा माना जाता था कि ये वाला जो बिल्डिंग था ये रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था पहले अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे कौन थे देखिए ये पहले एक इंग्लिश uh, सोल्जर थे ठीक है रॉबर्ट क्लाइव तो उनका वहां पे स्टेबल्स था स्टेबल्स क्या होते हैं जहां पे घोड़ों को रखते हैं तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि जहां पे अभी एट प्रेजेंट 1940 फोर्टी में सेटअप किया गया था जैमनी स्टूडियोज का वो पहले बिल्डिंग थी किसकी रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल्स की ठीक है तो अब उस बिल्डिंग में अपे स्टेयर्स यानी कि नेक्स्ट फ्लोर पे क्या कर दिया गया है जैमिनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट बना दिया गया है उसको आगे देखिए अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन दिटी आर सेट टू है उस शहर की जो दूसरी एक डजन कम से कम एक डॉक्टर मतलब बारह जो बिल्डिंग है वो भी उनके रेजिडेंस माने जाते हैं ठीक है वो भी बताई जाते हैं कि उनका ही रेजिडेंस था ठीक है फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन हिज ब्रीफ स्टे इन मद्रास रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग अब क्या कहते हैं अशोक मित्रन जी की फॉर हिज ब्रीफ लाइफ अपने छोटे थो, से जीवन में एंड इवन अ ब्रीफर स्टे इन मद्रास और मद्रास में भी वो थोड़े टाइम के लिए ही रुके थे ठीक है रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग रॉबर्ट क्लाइव ऐसा माना जाता था कि काफ़ी सारी मूविंग्स उन्होंने की हैं यानी कि वो एक जगह नहीं रहते थे वो काफ़ी उन्होंने जर्नी की है विजिट्स की हैं ठीक है ठीके? तो ऐसा माना जाता है बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया और इस सब के अलावा उन्होंने क्या की हैं फ़ाइटिंग्स की हैं लड़ाइयाँ भी की हैं इम्पॉसिबल बैटल्स में रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया इंडिया के दूसरे दूर दूर के जो हिस्से हैं वहाँ जाके उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं एंड मैरिंग अ मैडन इन सेंट मैरीज चर्च और एक मैडन से मैडन मीन्स वेरी ब्यूटिफुल लेडी सेंट मैरी चर्च में उन्होंने एक सुंदर लेडी के साथ शादी भी की थी इन सॉरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास ये जो ये एक जगह है फोर्ट सेंट जॉर्ज करके वहां पे सेंट मैरी चर्च है वहां उन्होंने एक लेडी के साथ में सुंदर औरत के साथ में शादी की थी आगे देखते हैं किसकी बात हुई थी अभी यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की ठीक है आगे चलते हैं अशोक मित्रन जी आगे क्या बोलते हैं द मेकअप रूम हैड द हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सलोन विद लाइट्स एट द एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स आगे अशोक मित्रन जी बोलते हैं कि जो मेकअप रूम था ना वो हेयर कटिंग सलोन की तरह था With lights at all angles. वहाँ पे सारे एंगल्स पे लाइट्स लगी थी अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स और हाफ अ डजन मीन्स हाफ अ डजन एक डजन का हाफ मतलब छ कम से कम बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे वहां पे देवर ऑल इन कंडेंसेंट लाइट्स और वहाँ पे जो लाइट्स थी वो इनकंडसेंड थी देखिए पहले टाइम में जब और अभी भी आप अगर कभी विलेज विज़िट पे गए हो किसी गांव में घूमे हो तो वहाँ आप देखोगे कि कुछ ऐसे इस टाइप के बल्ब्स होते हैं जिनमें से येलो कलर की येलोइ लाइट निकलती है तो वो एक तो वो गर्मी ज़्यादा देती है हीट ज़्यादा होती है उनमें तो उस टाइम पर वही लाइट्स थी तो इनकंडसेंड लाइट उनको बोला जाता है ठीक है तो देवर ऑल कंडेंसेंट लाइट्स वो सारी की सारी लाइट्स कैसी थी इनकंडेंसेंट थी यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग थी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती थी वो सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरीज ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप इसलिए आप इमेजिन कर सकते हो उन फायरी मिजरीज को ठीक है ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप यानी कि मेकअप करवाने वाले उन सब्जेक्टेड के लिए सब्जेक्टेड कौन हो गए यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको कि मेकअप करवाना होता था, था मेकअप रूम में बैठ के तो कितनी सारी फायरी मिजरीज़ को वो फेस करते होंगे आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो यानी कि उनके लिए कितना दुखदायी हुआ होगा ये सब कुछ वहां पे मेकअप करवाना कितना इरिटेटिंग रहता होगा ये सब कुछ आगे देखते हैं द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बेंगोली बिकेम ऑल बिग सॉरी हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट जो कि मेकअप डिपार्टमेंट था वो पहले हेड किया गया था बेंगोली के द्वारा जो कि बाद में फिर बहुत बड़े बन गए यानी कि काफी अमीर हो गए फॉर द स्टूडियो की वजह से एंड देन लेफ्ट फिर उन्होंने स्टूडियो को छोड़ दिया ठीक है ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज ऑल्सो सॉरी हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड का अब क्या हुआ ही वो सक्सीडेड अब उनके सक्सेसर कौन रहे यानी कि उन्होंने जब वहां से छोड़ दिया स्टूडियो को किसने एक बेंगोली ने ठीक है तो उस उनके बाद में फिर उनके सक्सीडेड यानी कि उत्तराधिकारी या उनके जाने के बाद में उस उस स्टूडियो को किसने संभाला वो थे तो sorry, uh, Maharashtrian. एक मारवाड़ कन्नडिगा ठीक है तो उन्होंने सॉरी बाय महाराष्ट्रियन एक महाराष्ट्रियन ने उसको संभाला जिनकी हेल्प की किसने धारवाड़ कन्नड़िया ने, ने एंड आंध्रा और एक आंध्र प्रदेश की व्यक्ति ने ए अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और एक मद्रास के इंडियन क्रिश्चियन ने एंड एंग्लो बर्म बर्मीज एंग्लो बर्मीज ने एंड द यूजवल लोकल तमिल्स और वहाँ के जो यूजवल लोकल तमिल्स थे वहाँ पे उन लोगों ने उनको असिस्ट किया यानी कि उस महाराष्ट्रीयन की मदद किसने की इन लोगों ने की देखिए पहले तो इस आ, जैमनी स्टूडियो में कौन थे इसके जो हेड थे वो थे एक बेंगोली ठीक है उसके बाद फिर कौन आए एक महाराष्ट्रियन आए फिर उन उन महाराष्ट्रियन को असिस्ट किसने किया उनकी हेल्प किसने की कन्नड़ियन ने की, की? की आंध्रा के लोगों ने की मद्रास के लोगों ने की क्रिश्चियंस ने की एंग्लो बर्मीज ने की और वहाँ के लोकल तमिल्स ने की ठीक है कितने सारे कितने सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पे मिल जाते हैं ठीक है अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पे मिल जाते हैं कहाँ पे जैमनीज स्टूडियो में जैमनी स्टूडियो के अंदर तो आगे राइटर क्या बोलते हैं फिर देखिए ऑल दी शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ए आई आर एंड दूरदर्शन बिगिन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन तो यहाँ पे बोलते हैं ये सारी चीज़ें ही क्या करती हैं शो करती हैं कि जो जैमनी स्टूडियो था वो नेशनल इंटीग्रेशन का के साथ में डील करता था यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है एक तरीके से राष्ट्रीय एकता जिसको बोलते हैं वहाँ पे दिखाई देती थी किस पे जैमनी स्टूडियोज़ में लॉन्ग बिफोर ए आई आर ए आई आर मतलब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से पहले जब दूरदर्शन से पहले यहाँ पे जैमनी स्टूडियो में ये सारी चीज़ें नेशनल इंटीग्रेशन दिखाई देता था जबकि दूरदर्शन और ए आई आर ऐसे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट हुए नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड उससे काफ़ी पहले कहाँ पे जैमनी स्टूडियोज़ में नेशनल इंटीग्रेशन दिखाई देता था राष्ट्रीय एकता के दर्शन होते थे आगे देखते हैं और क्या बोलते हैं आगे बोलते हैं जो अशोक मित्रन जी हैं वो आगे कहते हैं कि दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इन टू अडस क्रिमसन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स तो आगे जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि ये जो गैंग था किसका नेशनली इंटीग्रेटेड लोगों का मेकअप मैं का यानी कि जो अलग अलग देशों से आए हुए जो लोग थे वो मेकअप करते थे वहां के एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस का तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को वो एक हाइडस क्रिमसन मॉन्स्टर में चेंज कर देते थे यानी कि एक अच्छा दिखने वाले इंसान को एक मॉन्स्टर की तरह भयानक बना देते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स ट्रक लोड ऑफ पैनकेक की वजह से यानी कि इतना सारा पैनकेक मतलब उस उस पैनकेक ब्रांड नेम के जो भी प्रोडक्ट थे इतने सारे उनको यूज करते थे उनके चेहरों पे उनकी बॉडी पे कि वो लाइक अ मॉन्स्टर दिखने लग जाते थे एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन एंड लोशंस और इसके अलावा उन पैनकेक के बच, अलावा वो और भी जो पोशन और लोशंस होते थे उनको भी उनके चेहरों पे यूज करते थे आगे देखिए दोज हु दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग वो जो डेज थे वो इंडोर शूटिंग के डेज हुआ करते थे मेनली एंड ओनली फाइव परसेंट ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर्स और सिर्फ फिल्म का फाइव परसेंट ही आउटडोर शूट किया जाता था ठीक है इंडोर शूटिंग ज़्यादा होती थी सिर्फ मूवी का थोड़ा बहुत जो जरूरी पार्ट होता था वो ही होता था आई आई सपोज दैट्स एंड स्टूडियोज लाइट नीडेड द गर्ल्स एंड द बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रजेंटेबल इन द मूवीज और आई सपोज मैं ऐसा सोचता था कि जो सेट और स्टूडियो लाइट्स हैं सेट्स हैं और स्टूडियो जो लाइट्स हैं नीडेड द गर्ल्स उनको ज़रूरत होती है लड़के और लड़कियों की यानी एक्टर और एक्ट्रेसेस की कि उनको क्या बना दिया जाए लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल उनको अगली बना दिया जाए प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए मूवी में यानी कि लोग उन पर ध्यान जब देंगे जबकि उन पर बहुत सारा मेकअप लगा दिया जाए ठीक है तो यहाँ पर वो अगली किसी सेंस में भी बोल सकते हैं ठीक है तो नेगेटिव सेंस में वर्ड तो आया है नेगेटिव सेंस के लिए लेकिन पैनकेक्स और ऐसे मटेरियल्स को ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके इंसान बुरा थोड़ी लगेगा तो वो अच्छा लगेगा और वैजंती माला जैसी हीरोइन का अगर यहाँ पे नाम आया है शी वॉज टू गुड शी वॉज सो ब्यूटिफुल कितनी uh, uh, किस टाइप की एक्ट्रेस थी आप उनको उनकी मूवीज़ में ऑलरेडी देख सकते हो ठीक है तो आगे देखते हैं तो इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवीज़ स्ट्रिक्ट हरारची अब देखिए ये स्ट्रिक्ट हरारकी की यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रिक्ट हरारकी हरारकी एक सिस्टम होता है ठीक है जिसमें ऊपर से नीचे तक कुछ आ, पोस्ट होती हैं ठीक है थीके? तो स्ट्रिक्ट हरारकी वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट मेकअप डिपार्टमेंट में एक हरारकी थी और वो हरारकी क्या थी एक सिस्टम था वहाँ पे क्या था द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस जो चीफ मेकअप मैन होता था वो तो चीफ एक्टर और चीफ एक्ट्रेसेस का मेकअप करता था एंड हिज सी एक्ट्रेसेज अगली यानी कि उनको मेकअप करता था यहाँ पे अगली जो वर्ड आया है जहाँ पे भी वो मेकअप के लिए आया है ठीक है हिज सीनियर असिस्टेंट एंड द सेकेंड हीरो एंड द हीरोइन और उसका जो सीनियर असिस्टेंट देखिए पहला सबसे पहले जो बताया आपको पहला जो पोस्ट था उस हरारकी में वो था चीफ चीफ का जो कि मेकअप करता था चीफ एक्ट्रेस actress और एक्ट्रेसेस का उसके बाद उसका सीनियर असिस्टेंट होता था जो कि सेकंड हीरो या हीरोइन का मेकअप करता था उसके बाद कौन था जूनियर असिस्टेंट उसके बाद था जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ वो मेन कॉमेडियन उस मूवी के अंदर जो होता था उसका मेकअप करता था एंड सो फोर्थ और उसके अलावा और भी कोई ऐसे होते थे एक दो तो उनका भी वो मेकअप करता था द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय और जो प्लेयर्स प्ले play करते थे क्राउड का रोल भीड़ का जो रोल प्ले करते थे उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी ऑफिस बॉय की थी वहां पे एक ऑफिस बॉय भी था जिस ऑफिस बॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी क्राउड का मेकअप करना यानी कि जो भीड़ वहां पे शो होती थी उसका मेकअप करना उन लोगों का मेकअप करना ऑफिस बॉय की तो थी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हिरार्थ, की थी वहां पे ऑन द डेज वेन देर वॉज अ क्राउड शूटिंग यू यू कुड सी हेम मिक्सिंग हिज पेंट डिजाइन वेजल एंड अब मैं इसका पहले बता देती हूँ ऑन द डेज वैन there वॉज अ क्राउड शूटिंग उन दिनों में जब क्राउड शूटिंग हुआ करती थी यानी कि अगर किसी मूवी में किसी जगह पे क्राउड बहुत सारी दिखानी है भीड़ दिखानी है वहाँ पे, तो आप उसको देख सकते थे कि इसको ऑफिस बॉय को यहाँ पे अशोक मित्रन जी बोल रहे हैं ऑफिस बॉय के बारे में कि अशोक मित्रन उसको ऑफिस बॉय को आप देख सकते थे मिक्स करते हुए क्या पेंट को कहाँ पे एक जाइंट डिजाइंट यहाँ पे भयानक क्या ऐसी उसकी सेंस में नहीं है डिजाइंट आया बड़े बिग वेजल में यानी कि एक बड़े से और वेजल होता है बर्तन एक बड़े से बर्तन में उसको पेंट को मिक्स करते हुए आप देख सकते थे आगे बोलते हैं स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स और इसको स्लैप करते हुए स्लैप का मतलब ऐसे क्या होता है चांटा लगाना होता है लेकिन यहाँ पे इसको क्या होता है पोतनाट ऑन द क्राउड प्लेयर्स और इसको क्राउड प्लेयर्स के ऊपर पोत हुए लगाते हुए आप उस ऑफिस बॉय को देख सकते थे द आइडिया वॉज टू क्लोज वेरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप तो ये जो विचार था ना क्लोज करना एवरी पोर को यानी कि चेहरे ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस फेस की सरफेस पे हर एक पोर को यानी कि हर एक छोटे छोटे uh, गड्ढे तक को भी यहाँ पे वेरी क्लोजली क्या करना होता था अप्लाई करना होता था मेकअप को उसके ऊपर यानी कि जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जो भी एक्ट्रेस एक्ट्रेसिस क्राउड होता था उस उनके चेहरों की सरफेस पर या उनके चेहरों पर चेहरों के हर एक हिस्से को बहुत अच्छे से मेकअप अप्लाई करना होता था मेकअप अप्लाई करना पड़ता था मेकअप लगाना पड़ता था ही वॉज एंट एग्जैक्टली अ बॉय वो एक वा वास्तव में वो एक लड़का नहीं था ही वॉज़ इन हिज अर्ली फोर्टीज वो चालीस साल का होने वाला था एंड हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज़ अर्ली अगो और काफी सॉरी स्टूडियोज ईयर्स अगो और कई वर्ष पहले उसने स्टूडियो को ज्वाइन किया था वहां पे वो एंटर कर चुका था इन द होप ऑफ बिकमिंग स्टार एक्टर और इस आशा के साथ कि वो स्टार एक्टर बनेगा और टॉप स्क्रीन राइटर या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा डायरेक्टर और लिरिक राइटर या डायरेक्टर या फिर लिरिक राइटर बनेगा ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट वो थोड़ा बहुत पोइट भी था मतलब छोटी मोटी कविताएं भी, भी लिख लेता था तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ उसने जर्मनी स्टूडियोज को ज्वाइन किया था बट हियर ही वॉज वर्किंग एज एन ऑफिस बॉय एंड ही पेंटेड और ही अप्लाइड द मेकअप ऑन द फेस ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेड द रोल ऑफ क्राउड जो क्राउड का रोल प्ले करते थे उनके चेहरों पे वो मेकअप लगाता था ये उसकी वहां पे ड्यूटी थी आगे देखते हैं और अशोक मित्रन जी क्या है? इस चैप्टर में बोल रहे हैं देखिए पहले हमने जो देखा सबसे पहले वो हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक तो यहाँ पे अभी आगे फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ बॉस वर्ड आएगा तो वहाँ पे बॉस एस एस वासन के लिए आएगा हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैमिनी स्टूडियो अशोक मित्रन वहाँ पे कटिंग्स का, का काम करते थे न्यूज़पेपर कटिंग का क्लिपिंग का, का काम करते थे ठीक है इंपॉर्टेंट पेपर्स का और उनको जो कोई काम देता था वो वो भी करते थे आगे देखिए <coughs> अभी उन्होंने ऑफिस बॉय के बारे में और उस हरारकी के बारे में बताया है, जो वहाँ पे प्रिवेल थी ठीक है जैमनी स्टूडियोज में जो हरारकी थी कि चीफ तो जो था वो चीफ एक्टर एक्ट्रेसेस का करेगा उसके बाद सीनियर असिस्टेंट जो था वो एक सीनियर सेकेंड हीरो हीरोइन का करेगा उसके बाद जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन का करेगा और उसके बाद ऑफिस बॉय क्राउड का मेकअप करेगा इस तरीके की हरारकी वहाँ पर थी और उनको उसी तरीके से करना पड़ता था वर्क सबको अपना अपना अब आगे देख ले इन दोज डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज देखिए यहाँ पे अब अशोक मित्रन जी बोलते हैं कि उन उन दिनों में आई वर्क इन अ क्यूबिकल क्यूबिकल का मतलब होता है जैसे कि ये मान लीजिए कोई रूम है इसमें ऐसे करके फोर पार्ट्स बना रखे तो मान लीजिए क्यूबिकल में मैं क्यूबिकल में यहाँ पे रहता था या मैं यहाँ पे वर्क किया करता था ये कैबिन उनका है क्यूबिकल मीन्स एक तरीके से कैबिन बोल सकते हो कैबिन मैं बैठा रहता था मैं वहां पर वर्क करता था टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज जिसकी दो साइड्स में क्या थी फ्रेंच विंडोज थी अब आगे बोलते हैं आई डी नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि उनको फ्रेंच विंडोज बोला जाता था बोला जाता था सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग अब आगे अशोक मित्रन जी बोलते हैं कि मुझे देख के बैठा हुआ ठीक है मेरी डेस्क में और टीयर करते हुए न्यूज़पेपर को दिन रात ठीक है लोग ज़्यादातर क्या सोचते थे कि मैं कर रहा हूँ क्या नेक्स्ट टू डू नथिंग मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ वो ऐसा सोचते थे ठीक है लोग ऐसा सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कटिंग्स कर रहा हूँ टीयरिंग कर रहा हूँ किसकी न्यूज़ की अब आगे बोलते हैं इट वॉज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक टू और ये शायद मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि जो बॉस है जो बॉस हैं वो भी ऐसा ही सोचते थे या वो भी ऐसा ही सोच सकते थे अब यहाँ पे बॉस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था जो वासन जी हैं वासन एस एस वासन वो यहाँ पे बॉस हैं बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ठीक है आगे देखिए सो एनी वन फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार इन टू क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर अब आगे क्या बोलते हैं सो हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन इसलिए एनी वन हु फेल्ट जिस किसी को भी ऐसा लगता था दैट आई शुड बी गिवन सम वन सम्यूपेशन कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए वुड बार्स इन टू माई क्यूबिक वो मेरे क्यूबिक तक आता था मेरे uh, uh, जो मेरा कैबिन था वहाँ तक आता था एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर और एक एक्सटेंडेड लेक्चर डिलीवर करके चला जाता था कि आपको ये काम करना है आपको वो काम करना है इस तरीके से द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिट्रेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बाबर्स एंड पवर्ड्स देखिए अब ये कह रहे हैं अशोक मित्रन जी की जो लड़का था वहाँ पर जिस ऑफिस बॉय के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं मेकअप डिपार्टमेंट में जो बॉय था ठीक है द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड वो ये डिसाइड कर चुका था दैट आई शुड बी एनलाइटन्ड ऑन हाउ ग्रेट लिट्रेरी कि मुझे ध्यान देना चाहिए किस पे कि कितना ग्रेट लिटरेरी टैलेंट जो है ना वो क्या हो रहा है वेस्ट हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर ठीक है और फिट यहां पे कौन है सिर्फ बार्बर्स और पर्वर्ड्स को ही फिट हो रहे हैं यानी कि ये जो ऑफिस बॉय था वो एक बार मेरे पास आया और मुझे ये बताने लगा कि कितना Uh, जो लिटरी टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है बार्बर्स को दिया जा रहा है और पवर्ड्स को दिया जा रहा है बार्बर्स तो आप जानते ही होंगे नाई लोगों को बोलते हैं जो हेयर कट करते हैं और पवर्ड्स वो लोग होते हैं यानी कि जो एक तरीके से कहो कि मेल है तो फीमेल का एक्टिंग और फीमेल है तो मेल का एक्टिंग करेंगे इस तरीके के उन लोग को उन लोगों को बोलते हैं सून आई वॉज़ प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग और जल्दी से ही मैं प्रे करने लगा फिर क्राउड शूटिंग के लिए यानी कि जब वो ऑफिस बॉय मेरे पास मैं आया और इन सारी बातों को करने लगा तब अशोक मित्रन जी बोलते हैं कि मैं फिर प्रे करने लगा क्राउड शूटिंग के लिए क्राउड शूटिंग का शूटिंग का टर्न आ जाए और फिर जिसकी वजह से ऑल द टाइम सारा टाइम क्या रहना चाहिए क्राउड शूटिंग ही रहना चाहिए क्राउड शूटिंग रहेगी तो फिर ये ऑफिस बॉय फ्री नहीं रहेगा क्योंकि उसका काम क्या था क्राउड को मेकअप करना तो फिर क्या था कि सारा टाइम क्राउड शूटिंग होनी चाहिए मैं प्रे करने लगा नथिंग शुड uh, ऑफ इट्स कुड सेव मी फ्राम हिज एपिक इस चीज़ के अलावा मुझे कोई भी दूसरी चीज नहीं थी जो उसके इस एपिक से उसके इस महाकाव्य से एपिक का मतलब होता है एक बहुत बड़ी महाकाव्य जिसको मतलब वो बोलता ही रहता था तो उससे बचने के लिए वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान से प्रे करने लगा कि हर सारा टाइम क्राउड शूटिंग चलती रहनी चाहिए जिससे वो बिजी रहे और मेरे पास आके मेरा टाइम और मेरा दिमाग दोनों चीज़ें ना खाए ठीक है आगे देखिए आई आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन आगे फिर से उसी के बारे में पहला जो करेक्टर उन्होंने लिया है वो लिया है ऑफिस बॉय के बारे में वो बता रहे हैं अभी अपने को ठीक है तो आगे बोलते हैं इन ऑल इंस्टेंसेज इन इंस्टेंसेज आप जानते हो एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रस्ट्रेशन के जितने भी उदाहरण हैं यू विल ऑलवेज फाइंड आपको हमेशा ये पता चलेगा उनमें कि जो एंगर होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और और कवर्टली एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्ट ऑलोमनी एंड नेग्लेक्ट वर्क ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू अब एक दूसरा करेक्टर हमारे सामने आ रहा है पहला आया ऑफिस बॉय अभी दूसरा आ रहा है सुब्बू सुब्बु और ये जो ऑफिस बॉय है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं आप पाओगे इनको देखिए तो आगे जो अशोक मित्रन जी हैं वो बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन के जितने भी उदाहरण में उदाहरण हैं उनमें आप ये पाओगे कि कोई गुस्सा जिस किसी को भी आता है ना तो वो क्या करता है या तो उसको डायरेक्टली किसी व्यक्ति पे ओपनली निकाल देता है या फिर कवर्टली कवर्टली का मतलब कन्वर्ट करके एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वॉइस नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठा मंगलम शुभ तो वो लड़का जो कि ऑफिस बॉय था वो ये मानता था कि उसके जितने भी वॉइस ये जो वर्ड आया है डब्ल्यू ओ एस वॉइस वॉइस का मतलब होता है सोरोस है इग्नोमिनी इग्नोमिनी का मीनिंग होता है इग्नोमिनी होता है डिसग्रेस ठीक है उसका लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं एंड नेग्लेक्ट और उसको नेग्लेक्ट किया जाता है ये सब किसकी वजह से होता है कोठा मंगलम सुब्बू की वजह से होता है ये जो सेकंड हैं है मंगलम शुब्बू ये भी एक इंपॉर्टेंट करैक्टर है ये इस तो जैमनी स्टूडियोज के एक तरीके से कहो बोन है ठीक है मेन बोन है तो आगे देखिए तो राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन के जितने भी उदाहरण हैं उनमें आप देखोगे कि या अपने एंगर को या तो कोई इंसान ओपनली निकाल देता है या फिर उसको कन्वर्ट करके निकालता है और यहाँ पे भी इस डिपार्टमेंट में मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर भी ये जो मैन था दिस मैन मतलब ऑफिस बॉय जो था वो क्या कर रहा था वो ये मानता था कि उसके जो भी वॉइस है उसकी जो इग्नोमिनी है उसकी जो नेग्लीजेंसी होती है वो सब किसकी वजह से होती है कोठा मंगलम सुब्बू की वजह से होती है अभी यहाँ पे जो राइटर हैं कहाँ स्टोरी को शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट करते वो बोल रहे हैं सुब्बू के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दूसरे करेक्टर हैं यहाँ पे सुब्बू वॉज द नंबर टू एट जैमनी स्टूडियोज़ देखिए नंबर वन पे तो कौन थे वासन जी जो कि इसके मालिक हैं ठीक है नंबर टू पे कौन है भाई सुब्बू है तो ये मान लीजिए कि वासन के जो नेक्स्ट है वो कौन है उस हरारकी में सुबू है ठीक है तो नंबर टू पे माना जाता था किसको सुब्बू को एट जैमनी स्टूडियो ही कूडेंट हैव हैड मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड ही कूडेंट हैव हैड यानी कि उनको नहीं मिली थी मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म फिल्म में एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं मिली थी किसको सुब्बू जी को देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड जितनी ओ, आ, एनकरेजिंग ओपनिंग हमारे मेकअप बॉय को मिली थी यानी कि ऑफिस बॉय को मिली थी तो ये जो अशोक मित्रन जी हैं ये बोल रहे हैं कि जब सुब्बू जी ने और ज्वाइन किया था स्टूडियोज़ को उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं थी जितनी फैसिलिटीज़ ऑफिस बॉय को मिल रही थी तो ऑन द कंट्री और इस सब के अपोजिट में क्या था ही मस्ट हैव हैड फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम इस सब के बजाय इस सब के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि जो सुब्बू थे उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी अनसर्टेन और डिफ़िकल्ट टाइम्स को ठीक है जो सुबह था उसको बहुत डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ा था वहां पे फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर जब उन्होंने अपने करियर को शुरू किया था देयर वर नो फैमिली स्टैब्लिस्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ और स्टूडियोज उस टाइम पे शुरुआत में कोई भी फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ नहीं थी स्टूडियोज़ नहीं थे इवन द मैटर ऑफ एजुकेशन यहाँ तक कि अगर एजुकेशन के मैटर की बात की जाए स्पेशली फॉर्मर एजुकेशन फॉर्मर एजुकेशन की अगर बात की जाए जो कि स्कूलिंग एजुकेशन होती है स्कूलिंग होती है उसकी अगर बात की जाए सुबू कोडेंट हैव हैड एन अप्रिशिएट बल लीड ओवर आर बॉय तो यहां बोलते हैं कि वो जो बॉय था ऑफिस बॉय वो ज्यादा पढ़ा लिखा था उसके पास फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा थी किसके कंपैरिजन में सुब्बू जी के कंपैरिजन में तो आगे बोलते हैं बाय बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन एज अ ब्राह्मण लेकिन जो सुब्बू थे वो एज अ ब्राह्मण बॉर्न हुए थे यानी कि उनका जो कास्ट था वो ब्राह्मण था अ वर्च्यू इंडियड जो कि वास्तव में अपने आप में एक वर्च्यू होता है अपने आप में एक गुण होता है एक क्वालिटी होती है ही मस्ट हैव एक्सपोज टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन तो यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि जो सुब्बु जी हैं उनको एक्सपोजर रहा होगा एक्सपीरियंस रहा होगा एफ्लुएंट सिचुएशंस का और इसके बजाय पीपल का एफ्लुएंस सिचुएशन और पीपल का यानी कि वो अच्छे अच्छे लोगों से मिलते जुलते होंगे बिकॉज ही बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली आगे देखिए ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट द टाइम एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म तो ये सबू जी सब्बू जी की एक क्वालिटी और थी और वो ये थी कि वो चीयरफुल दिखते थे हमेशा ऑल टाइम्स ठीक है आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन फ्लॉप फिल्म चाहे उनका फिल्म जो थी वो फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए तब भी वो उस कंडीशन में भी चेयरफुल दिखते रहते थे ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी वो हमेशा दूसरे लोगों के लिए काम करते रहते थे ही कुड नेवर डू थिंग थिंग्स ऑन हिज ओन वो अपने लिए कभी भी कोई काम नहीं करते थे ठीक है बट हिज सेंस ऑफ लॉयलिटी मेड हिज आइडेंटिटी हिमसेल्फ लेकिन उनका जो सेंस ऑफ लॉयलिटी था लॉयलिटी क्या होती है किसी के प्रति वफादारी उसने उनकी आइडेंटिटी बना दी थी उस स्टूडियो के अंदर ठीक है तो उनकी उनके बॉस के प्रति एस एस वासन के प्रति जो उनकी लॉयल्टी थी उससे उनकी आइडेंटिटी वहाँ पे अच्छी बनी हुई थी विद हिज़ प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल के साथ देखिए बॉस को यहाँ पे प्रिंसिपल भी बोला है एस एस वासन को यहाँ पे प्रिंसिपल भी बोला गया है तो वो कंप्लीट लॉयल्टी रखते थे उनके साथ में एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज और अपनी पूरी क्रिएटिविटी को जितनी भी क्रिएटिविटी उनके अंदर थी वो अपने प्रिंसिपल के लिए अपने बॉस के लिए एस एस वासन के लिए रखते थे ऐसे पासन के एडवांटेज के लिए उनके लाभ के लिए उनके प्रॉफिट के लिए रखते थे अपनी सारी क्रिएटिविटी को वो उनके लिए यूज करते थे आगे देखिए ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म ये जो वर्ड आया इधर टेलर मेड टेलर मेड का मतलब होता है स्पेशली मेड फॉर फिल्म यानी कि ये जो सुबू जी थे वो स्पेशली किसके लिए फिल्म के लिए बने हुए थे एक तरीके से कहा जाए कि ही वॉज वेरी गुड एट फिल्म इंडस्ट्री ठीक है तो हर तरीके से आइडियाज देने के लिए एज अ काफी वर्चुअस थे वो ठीक है हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड वैन कमांडेड ये एक ऐसे मैन थे जो कि हु कुड बी इंस्पायर्ड वैन कमांडेड जब कभी भी इनको कोई दूसरा कमांड देता था तो उससे इंस्पायर होते थे मतलब हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे ये ठीक है अब जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स दम लविंगली एक रेड है और एक ग्रेस है अंडर वाटर ये क्या कर रहे हैं दोनों फाइट कर रहे हैं ठीक है दोनों लड़ते हैं एंड किल्स हर और ये जो रेट है उसको मार देता है बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स लेकिन उसके कब्स पे क्या करता है पिटी करता है यानी कि दया पिटी का मतलब होता है दया सिंपैथी रखना दया रखना उसके कब्स पे उसको दया आ जाती है एंड टेंड्स दैम लविंगली और वो उनके साथ में लविंगली टेंड करता है लविंगली बिहेव करता है आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन ठीक है द प्रोड्यूसर वुड से अब प्रोड्यूसर कहता था कि इस सीन को कैसे किया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक रेट और टाइग्रेस फाइट करते हैं अंडर वाटर और वो जो रेट है उस को मार देता है लेकिन उस रेट को उसके कब्ज पे दया आ जाती है और और इस सीन को और वो उनके साथ लविंगली करता है लविंगली बिहेव करता है तो इस सीन को कैसे किया जाए प्रोड्यूसर अगर कभी ऐसे पूछता था एंड सुबू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ रेट कोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ तो सुबू जी क्या करते थे कम आउट विद फोर वेस चार तरीके बताते थे कि किस तरीके से रेट पोरिंग कर रहा है अफेक्शन को किस पे अपने विक्टिम के अपने शिकार के ऑफ स्प्रिंग पर ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे ऑफ स्प्रिंग की संतान पर ऑफ स्प्रिंग के बच्चों पर ऑफ स्प्रिंग्स के सॉरी सौ, विक्टिम के ऑफ स्प्रिंग पर यानी कि अपने शिकार के बच्चों पर कब्ज पर ठीक है आगे देखिए गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव एन द प्रोड्यूसर वुड से अब प्रोड्यूसर कहता था कि ठीक है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इफेक्टिव काफ़ी ठीक है ऐसा मुझे ठीक नहीं मतलब आ, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में कि ये ठीक रहेगा फिर क्या कहता है एंड इन अ मिनट और एक मिनट के अंदर शुभ वुड कम आउट विद फोर्टीन मोर अल्टरनेटिव्स तो एक ही मिनट के अंदर जो शुभ जी थे वो अगले दूसरे और नए चौदह दूसरे तरीकों के साथ में वहां पे डायरेक्शन देने लगते थे उनको बताने लगते थे ठीक है फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुबू अराउंड एंड इफ देअ वाज अ मैन हु हुगे डायरेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ जैमनी स्टूडियोज ड्यूरिंग द गोल्डन ईयर्स फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन हो सकती थी एंड वॉज सो इजी विद अ मैन लाइक सुबू मतलब मस्ट हैव बीन कितनी रही होगी फिल्म मेकिंग कितनी ईजी रही होगी Uh, ऐसे सुबह जैसे एक आदमी के साथ में जिसके अराउंड हो यानी कि सुबह के जैसा व्यक्ति अगर किसी के पास में हो तो वहां पे फिल्म मेकिंग कितनी इजी रही होगी एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जैमनी स्टूडियोज ड्यूरिंग गोल्डन डेज और वो क्या करते थे डायरेक्शन देते थे डेफिनेशन देते थे जैमिनी स्टूडियोज में ड्यूरिंग द गोल्डन ईयर्स गोल्डन ईयर्स जब चल रहे थे उसके uh, तो यानी कि बहुत अच्छे और बहुत एक लेवल पे था जामिनी स्टूडियोज उस टाइम पे तो उसको गोल्डन ईयर्स देने वाला या गोल्डन टाइम देने वाला कौन था शुब्बू था शुब्बू जी ने उस स्टूडियो को जामनी स्टूडियो को बहुत अच्छी हाइट्स पे पहुंचा दिया था ठीक है तो हाइट्स दिलाने वाले उसको गोल्डन टाइम दिलाने वाले कौन थे शब्बू थे तो जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं अशोक मित्रन जी कहते हैं कि फिल्म मेकिंग बहुत ही इजी रही होगी जब जब सुबू के जैसे लोग वहाँ पे आसपास हों और जैमनी स्टूडियोज़ को डायरेक्शन देने वाले उसको डेफिनेशन देने वाले गोल्डन ईयर्स में वो कौन थे सुबू थे सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पॉइंट सुबू के पास एक दूसरी आइडेंटिटी भी थी वो थी एज अ पॉइंट एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स और यद्यपि वो निश्चित रूप से कैपेबल थे क्या करने में कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स के लिए यानी कि कॉम्प्लेक्स पोइट्री वो फॉर्म कर सकते थे हायर फॉर्म्स बहुत ऊंची तरीके की रचनाएं कर सकते थे बट ही डेलिबरेटली चूज द एड्रेस इज पोएट्री टू द मासेस लेकिन वो डेलिबरेटली क्या करते हैं चूज करते हैं क्या ऐसी पोएट्री लिखना जो कि मासेस के लिए जो कि लोगों के लिए सुटेबल हो जिसको लोग पढ़ सकें सुन सकें समझ सकें ऐसी पोएम्स को लिखना वो ज़्यादा प्रेफर करते थे आगे देखते हैं टरे अचीवमेंट्स उनकी जो सक्सेस थी फिल्म में उनकी फिल्म के अंदर जो सक्सेस थी वो ओवर शेडो कर चुकी थी मतलब ओवर शेडो एंड ड मतलब कम कर चुकी थी उनके लिटरी अचीवमेंट्स को यानी कि होने को तो उनके अंदर लिटरेरी भी वो काफी एजुकेटेड थे उनका जो एक तरीके से कहो कि एजुकेशन या एक हायर फॉर्म्स की पोइट्री को क्रिएट करना उनको कंपोज करना वो भी उनके लिए इजी था लेकिन फिल्म में सक्सेस उनकी ज़्यादा बड़ी थी तो यहाँ पे जो अशोक मित्रन जी वो कहते हैं कि उनकी जो सक्सेस थी फिल्म में वो ओवर शेडो और ड्रावड कर चुकी थी उनके लिटरेरी अचीवमेंट्स को और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट और यही उनके जो क्रिटिक्स थे वो भी फील्ड फेल्ट करते थे यही वो महसूस करते थे ही कम्पोज सेवरल ट्रियली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फॉक रेपरिन एंड डायरेक्शन सॉरी डिक्सन एंड ऑल्सो रोट अ स्प्राउलिंग नोवल थिलाना महनाम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टी एज करेक्टर्स तो यहाँ पर आगे बोलते हैं कि ही कम्पोज सेवरल ट्रिलियो ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी औरिजिनल स्टोरी पोएम्स को क्या किया कम्पोज किया ठीक है इन फोक रेफरेंट के साथ में एंडसन डिक्सन uh, के साथ में ऑल्सो रोट एस प्राउलिंग नोवल और इस सबके साथ साथ उन्होंने एक स्प्राउलिंग मीन्स स्प्रेडिंग नॉवल भी लिखा जिसका नाम था थिलाना महानम्बल विद ऑफ उस जिसमें कि डजन्स ऑफ क्या थे डेफ्टी एस्ट करैक्टर्स थे ये जो वर्ड आया है डेफ्टी एस्ट जिसका मतलब होता है स्किलफुली काव्ड करना काफ़ी सारे करेक्टर्स को उन्होंने डजन्स ऑफ करैक्टर्स को यहाँ पे स्किलफुली काव्ड किया था यानी कि इस नॉवल के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे करेक्टर्स को इंक्लूड किया था बहुत अच्छे से स्किलफुली इंक्लूड किया था ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ़ द देवदासीज ऑफ द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिक्रिएट किया था मूड और मैनर को देवदासी पहले एक देवदासी प्रथा चलती थी देवदासी सिस्टम था तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली डेपेक्ट किया था अपने क्रिएशंस uh, में अपने uh, जो कुछ भी उन्होंने रचनाएं की उन सबके अंदर ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर ठीक है ही वोज एन अमेजिंग एक्टर थे वो एक अमेजिंग एक्टर थे किसके बारे में यहाँ पे बात चल चलिए सुब्बु जी के लिए कि वो एक अमेजिंग करेक्टर थे सॉरी uh, एक्टर थे एंड नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल और कभी उन्होंने एस्पायर्ड नहीं किया कभी इच्छा नहीं की एस्पायर्ड का मतलब होता है विलिंग होना विश करना इच्छा करना लीड रोल्स के लिए उन्होंने कभी विल नहीं की इच्छा नहीं की आगे बोलते हैं बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म्ड बेटर देन देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स और अगर उनको कोई सब्सिडरी रोल मिल भी गया था फिल्म्स के अंदर कोई तो वो परफॉर्म करते थे उसको ठीक है मेन प्लेयर से भी ज़्यादा बेटर देन ठीक है बेटर देन मेन प्लेयर्स मेन प्लेयर से भी अच्छा उसको क्या करते थे वो प्ले करते थे कौन सुबुजी ही हैड अ जेन्यूइन लव फॉर एनी वन हर किसी के लिए जेन्यूइन लव था उनके पास में ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेज और जेन्यूइन लव था हर किसी के लिए और क्या करते थे उनका जो घर था वो परमानेंट क्या था एक वो परमानेंट रेजिडेंस था डजन्स ऑफ नियर और फार रिलेशंस यानी कि अपने जो कहते हैं ना पास वाले संबंधी ये दूर के जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए और के लिए परिचित लोगों के लिए एक परमानेंट रेजिडेंस था यानी कि उनके घर में कम से कम दस बारह लोग ऐसे रहते थे जो हमेशा रहते ही थे जो उनके रिलेटिवस होते थे उनके जानकार होते थे इट्सम अगेंस्ट द सुबूज नेचर

ठीक है सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट इन इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है थॉटलेस चैरिटेबल थे एक तो दान करने में माहिर थे तानी कर रहे हैं जब इतने सारे लोगों को वो रिश्तेदारों को अपने घर में रख रहे हैं तो चैरिटेबल हैं और थॉटलेस मैन है एंड येट ही हैड एनिमीज फिर भी उनका दुश्मन अब उनका दुश्मन कौन है भाई यहाँ पे अशोक मित्रन जी जो कि राइटर हैं इस चैप्टर के वो बोल रहे हैं एंड येट ही हैड एनिमीज फिर भी उनका दुश्मन और उनका दुश्मन कौन था ऑफिस बॉय वो उनको दुश्मन मानता था क्यों मानता था क्योंकि वो मानता था कि उसकी जो सारे दुख हैं उसकी जो परेशानियाँ उसके जो डिस डिसग्रेस uh, है उसका जो अपमान है नेग्लेक्ट किया जाता है ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं सुबह की वजह से होती हैं तो फिर भी उसका दुश्मन वॉज़ इट बिकॉज इज सेम टू क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस क्या ऐसा इसलिए है कि वो बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है या फिर और वॉज इट इज़ जनरल डैमिनर दैट रेजाम्बल साइकोफेंट्स और या फिर ये उसका जनरल डैमिनर है उसका व्यवहार है जो कि वो उसको रेजैम्बल करता है किसकी तरह साइकोफेंट्स की तरह यानी कि साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूज की तरह या फिर उसका ये चापलूस वाला नेचर है जो कि उसको बॉस के पास में रखता है इसलिए उससे लोग क्या हैं उसके दुश्मन हैं और उसका दुश्मन सिर्फ उस स्टूडियो के अंदर ऐसे भी नहीं बहुत उसको मारने वाला हो काटने वाला हो लेकिन वो उसकी हमेशा बुराइयां करता था कि कौन करता था ऑफिस बॉय तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जो ऑफिस बॉय है और सुब्बू है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसी तरीके से रिलेटेड है कि ऑफ़िस बॉय इस सुब्बू जी को अपना दुश्मन मानता था अपने अपमान का कारण मानता था अपनी नेग्लिजेंसी का कारण मानता था और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरी और या फिर उसकी रेडीनेस नाइस थिंग्स सही चीज़ें करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था अबाउट एवरी किसी के लिए भी किसी भी बात के लिए इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु कुड विश द डायरेस थिंग्स फॉर सुबो इन एनी केस कोई भी बात रही हो लेकिन ये वाला जो आदमी था कौन ऑफिस बॉय वन मिनट दिस मैन किसके लिए है ऑफिस बॉय के लिए मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर ये जो आदमी था ये जो मेकअप ये जो ऑफिस बॉय था हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग डायरेस्ट का मतलब होता है ड्रेडफुल थिंग्स हमेशा ही सुबह के लिए ड्रेडफुल थिंग्स विश करता था कि सुबह के साथ में बुरा हो जाए ऐसा ही वो विश करता रहता था यू सॉ सुबह ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कॉल द स्टोरी डिपार्टमेंट कम्प्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स अब आप देखिए क्या अशोक मित्रन जी बता रहे हैं सुब्भु जी के बारे में वो बोलते हैं कि सुबु हमेशा बॉस के साथ में रहता था वैसे तो ठीक है लेकिन अटेंडेंस रोल्स में उसका नाम किसके साथ में था वो ग्रुप में था किस कौन से ग्रुप में था डिपार्टमेंट के जिसको स्टोरी डिपार्टमेंट बोला जाता था ठीक है ना उस ग्रुप के अंदर सुबु आते थे हालांकि वो बॉस के साथ में सारा टाइम रहता था लेकिन अगर अटेंडेंस रोल की बात की जाए तो वो स्टोरी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता था और स्टोरी डिपार्टमेंट में कंप्राइजिंग थे कंटेन करते थे एक लॉयर और एक असम्बली किसकी राइटर्स की और पोइट्स की यानी कि वहाँ पे राइटर्स थे कई सारे पोइट्स थे और एक लॉयर भी था उसी डिपार्टमेंट का नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट और वहीं पे सुब्बू को काउंट किया जाता था इवन ही ऑलवेज ही कुड बी सीम देयर विद विध बॉस लेकिन जब उनके अटेंडेंस का या उनके ग्रुप की बात की जाए तो वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काउंट किए जाते थे द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइजर जो लॉयर था वहां पर लॉयर मीन्स वकील जो वकील था उसको ऑफिशियली तो क्या कहा जाता था लीगल एडवाइजर बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट लेकिन एवरीबडी हर कोई उनको इसका अपोजिट ही रेफर करता था मतलब इसका उल्टा ही मानता था क्यों मानता था इसका एग्जाम्पल भी हमें आगे मिल जाएगा कि वो लीगल एडवाइज़र कम और दूसरा दूसरी चीज़ें इलीगल एडवाइज़र ज़्यादा है ठीक है थीके? तो एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस अब यहाँ पे एक तीसरा करैक्टर देखिए पहला करैक्टर ऑफिस बॉय आया वो कहीं ना कहीं सुब् जी से रिलेटेड था ऑफिस बॉय का, का काम पहले तो हैरारकी हम लोगों ने देखी क्या हैरारकी थी वहां पर फिर ऑफिस बॉय के बारे में देखा कि वो सुब्भू जी को कैसा मानता था गलत मानता था फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सुबह का करेक्टर देखा कि सुबह किस तरीके का था उसका काम क्या था और वो क्या क्या करता था ठीक है अब यहाँ पे एक सुब्बू के जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की बात आई स्टोरी डिपार्टमेंट में उसको काउंट किया जाता था और उसमें एक लॉयर था काफी सारे पोइट्स और राइटर्स थे तो अब उन उन पोइट्स और राइटर्स में से पहले यहां पे एक लॉयर की बात हो रही है ठीक है स्टोरी शिफ्ट हो रही है टर्न वाइज एक एक करेक्टर पे शिफ्ट हो रही है स्टोरी तब लॉयर की बात शुरू हो जाती है उसको ऑफिशियली तो लीगल एडवाइज़र माना जाता था ठीक है लेकिन उसको रेफ़र किया जाता था बिल्कुल इसका अपोजिट ठीक है एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी एक बार ठीक है एक एक्ट्रेस थी जिसमें काफ़ी टैलेंट था हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल जिसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था तो एक बार क्या होता है वंस ब्लू ओवर ब्लू ओवर ऑन द सेट एक बार वो क्या हो जाती है भड़क जाती है सेट पे जब वो uh, क्या हो रही थी uh, एक तरीके से मूवी जब बन रही थी या रिकॉर्डिंग हो रही थी उस टाइम पे वो मूवी सेट पे क्या हो जाती है ब्लू ओवर हो जाती है भड़क जाती है तो क्या होता है वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट जब हर कोई बिल्कुल स्टंट खड़ा हुआ था एवरीबडी वॉज सरप्राइज एट दैट टाइम द वॉट डिड द लॉयर डू द लॉयर क्वाइटली स्विज ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट तो लॉयर ने क्या किया धीरे से स्विच ऑन कर दिया किसको रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स को तो अब क्या होता है रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को जब उसने क्या कर दिया ऑन uh, कर दिया अब उसकी सारी रिकॉर्डिंग उसमें चलने लगी वेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रैथ और जब एक्ट्रेस पॉज हुई शांत हुई सांस लेने के लिए तो लॉयर ने कहा वन मिनट प्लीज़ एक मिनट रुकिए तो सही प्लीज़ एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग और फिर रिकॉर्डिंग को उसने प्ले बैक कर दिया यानी कि रिकॉर्डिंग उसको सुनाने लगा किसको एक्ट्रेस को दे वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग उस रिकॉर्डिंग के अंदर या उस रिकॉर्डिंग को उसने इसलिए नहीं किया था कि वो इनक्रिमिनेट कर रहा है इंक्रिमेटिंग का मतलब ब्लेम कर रहा है किसको एक्ट्रेस को और अनमेंशनली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टिराडे अगेंस्ट द प्रोड्यूसर और ऐसा भी नहीं था कि वो उस रिकॉर्डिंग को इसलिए कर रहा है कि वो उसकी निंदा करना चाह निंदा बता रहा है अगेंस्ट द प्रोड्यूसर की प्रोड्यूसर की उसने क्या की है निंदा की है टिराडे किया है ठीक है तो ऐसा भी ऐसा उसका कोई मूड नहीं है ये सब कुछ शो करने का उस एक्ट्रेस को ये बताने का यानी कि सीधी सी बात अगर बोली जाए तो उसने वो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की थी कि वो प्रोड्यूसर से उसकी कंप्लेन कर दे कि इस तरीके से करती है बल्कि रीजन दूसरा था तो होता क्या है बट वैन शी हियर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट लेकिन जब उस लेडी ने उस एक्ट्रेस ने उस रिकॉर्डिंग को सुना अपनी वॉइस को सुना साउंड इक्विपमेंट के थ्रू शी वॉज स्ट्रक डम तो वो बिल्कुल शांत हो गई स्ट्रक डम हो गई एकदम आ, चक्की रह गई अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया वो एक लड़की थी रूरल एरिया से सी हैड एंड गॉन थ्रू ऑल दी स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस उसको वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस नहीं थे उसको संसार के अनुभव नहीं थे दैट जनरली प्रसीड अ पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंस की जनरली इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए एक पोजिशन को प्रसिड करने के लिए और सोफिस्टिकेशन को शो सो करने के लिए ठीक है शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटेपुलेटेड इन और अब उसने अपने आप को क्या कर लिया था सबके सामने इंसल्ट करवा लिया था एक तरीके से इस तरीके का रिएक्ट करके यानी कि जब हम कहीं बाहर रहते हैं या बहुत सारे लोगों के सामने तो हमें उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए यहाँ पे वो बताया जा रहा है तो ऐसा नहीं था कि उसका इंटे, इंटेंशन उस एक्ट्रेस का प्रोड्यूसर को ब्लेम करना है या कोई दूसरी बातें कहना था इवन सी ब्लू आ, ओवर द सेट्स ओनली फॉर सम रीजन कुछ बात पे उसको गुस्सा आ गया होगा तो वो इसलिए भड़क उठी और उस चीज़ को उसने लॉयर ने रिकॉर्ड कर लिया और जब उसको सुनाया तो वो एकदम से सरप्राइज रह गई कि इतने सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हो गई तब अब हुआ क्या तो यहाँ चलते शी नवर क्वाइट शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम दैरर शी फेल्टैट डे तो वो उस डर से कभी भी उस दिन के बाद से बाहर नहीं निकली एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर और एंड हो गया किसका ब्रिलियंट एक्टिंग करियर का द लीगल एडवाइज़र की वजह से द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट उसकी वजह से जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का कौन था एक मेंबर था हेड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड उसकी वजह से क्या आ गया अनविटिंगली उसकी बुद्धि की कमी की वजह से कह सकते हो क्या हो गया एक सैड uh, एंड हो गया किसका एक्ट्रेस की स्टोरी का एक अच्छे आर्टिस्ट का सेड एंड हो पाई शी गोटाम स्टूडियो वाइल मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म अब अगर अब आगे चलती है स्टोरी और बोला जाता है कि डिपार्टमेंट का हर एक आदमी यूनिफॉर्म पहनता था खादी धोती अ स्लाइटली ओवर साइज एंड तेल, टेलर्ड वाइट खादी शर्ट उनका जो यूनिफॉर्म था उसमें एक खादी का धोती था विद अ स्लाइटली ओवर साइज क्लमसी टेलरड वाइट खादी शर्ट और उसके ऊपर एक पहनी जाती थी क्लम्सी टेलर्ड व्हाइट खादी ओवरसाइज शर्ट यानी कि ढीली ढाली सी लूसी एक वाइट शर्ट पहनी जाती थी उस धोती के ऊपर अब आगे है कि जो लीगल एडवाइजर था यानी कि जो लॉयर था वो पैंट पहनता था टाई पहनता था और कई बार वो कोट पहनता था जो कि एक कोट ऑफ मेल की तरह लगता था कोट ऑफ मेल यानी कि ये इस टाइप का कुछ ये होता था कोट ऑफ मेल जिसमें कुछ इस तरीके के ये बने हुए होते थे तो इस टाइप का वो कुछ कोट पहनता था कई बार अपने वो यूनिफॉर्म uh, के साथ में ठीक है तो उसका यूनिफॉर्म डिफरेंट uh, था और दूसरे मेंबर्स से ठीक है आगे देखते हैं ऑफन ही लुक्ड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम उसको अकेला देखा जा सकता था एंड हेल्पलेस हेल्पलेस देखा जा सकता अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक क्योंकि वो कोल्ड लॉजिक का इंसान था उसको तो लॉजिक चाहिए होता था सारी चीजों में अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स ड्रीम और बाकी जो क्राउड थी वो ड्रीमर्स की क्राउड थी अ नेचुरल मेन मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी गांधीटीज एंड खाद खादिटीज क्योंकि वो एक अकेला आदमी था किसमें गांधीज और खादीज के ग्रुप में वो एक अकेला आदमी था इसलिए उसको कई बार अकेला देखा जा सकता था हेल्पलेस देखा जा सकता था लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु क्लोज टू द बॉस जैसे कि जो दूसरे लोग थे जो कि क्लोज होते थे बॉस के उनको क्या किया जाता था ही वॉज अलाउड ऐसे ही उसको भी अलाउ किया गया एक फिल्म के लिए ठीक है यानी कि बॉस के जो क्लोज लोग होते थे उनको एक बार अलाउ किया जाता था फिल्म के लिए तो उसको भी अलाउ किया गया एंड दो लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक्स वर यूज काफी सारा रॉक स्टॉक रॉ स्टॉक कच्चा माल एंड पैनकेक्स और दूसरी चीज़ें पैनकेक ब्रांड के काफ़ी सारे मेकअप के जो प्रोडक्ट थे वो यूज़ किए गए उस पर नॉट मच केम ऑफ द फिल्म लेकिन फिल्म से काफ़ी सारा नहीं आया यानी कि फिल्म फ्लॉप हो गई एक तरीके से माना जाता है कि फिल्म से कोई अर्निंग नहीं हुई देखिए उस स्टूडियो के अंदर जितने भी लोग थे सबको एक बार फिल्म बनाने का चांस दिया जाता था तो इसको भी मिला लॉयर को भी लेकिन उसकी मूवी से ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट फिर एक दिन बॉस ने क्या कर दिया क्लोज कर दिया स्टोरी डिपार्टमेंट को स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया देखिए स्टूडियो को क्लोज नहीं किया उसने स्टोरी डिपार्टमेंट को एंड दिस वॉज पर हैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वे आर द लॉयर्स लॉस्ट हिस्स जॉब बिकॉज द पोइट्स वर ऑल्सो आज टू गो होम और हिस्ट्री में इंसान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जबकि ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जबकि किसी लॉयर ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी हो क्योंकि सारे पोइट्स जो थे वो घर जाने के लिए बोल दिया गया था उनको इसलिए लॉयर की भी जॉब चली गई ठीक है आगे देखते हैं जैमनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस डी योगिया देखिए ये जो थोड़े पोइट्स हैं इनको आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जैमनी स्टूडियोज में कौन कौन से फेवरेट पोएट्स थे तो एस डी आ, एस डी एस योगिया संगू सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री एंड हरिन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय ये जो चार थे ये यहाँ पे पोइट्स थे ही हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट अब यहाँ पे इसकी कॉफ़ी के बारे में यानी कि जो अपना स्टूडियो है जामनी स्टूडियोज यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें एक एक्सीलेंट मैस था मैस यानी जहाँ पे खाने पीने की फूड सप्लाई मिलती है चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पर गुड कॉफी सप्लाई भी होती थी कॉफ़ी की सप्लाई अच्छी होती थी ऑल द टाइम डे एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट दिन और रात वहाँ पे कॉफ़ी वो लोग सकते थे ये फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल थी दोज वर द डेज वैन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वो जो दिन थे वो क्या थे कांग्रेस रूल कांग्रेस का शासन था इसका मतलब था कि प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध ठीक है कांग्रेस रूलिंग कर रही थी उस टाइम पे और उसका मतलब था कि प्रोहिबिशन वो किसी भी चीज़ पे रोक लगा सकते थे एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज लेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट तो ऐसे टाइम में अगर एक कप ऑफ कॉफी के साथ में वो क्या कर रहे हैं एंटरटेन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं तो सेटिस्फाई थी उनके एंटरटेनमेंट के लिए यानी कि इस कप ऑफ कॉफी के साथ में कप ऑफ कॉफी को लेते समय जब वो बैठते थे तो वो सेट उनके एंटरटेनमेंट के लिए काफी था आगे बोल रहे हैं राइटर अशोक मित्रन जी कि बैरिंग द ऑफिस बॉय एंड अ कपल ऑफ एल्स एट द स्टूडियोज रीड रेडिएटेड लेजर अ प्री रेक्विजिट फॉर पोएट्री देखिए जो लेजर uh, होता है इसका मतलब होता है फुर्सत में बैठना और प्री रेक्विजिट मतलब होता है जरूरी नेसेसरी तो यहां पे बोल रहे हैं बैरिंग बैरिंग का मतलब है छोड़कर लिविंग द ऑफिस बॉय ऑफिस बॉय को छोड़कर और कुछ एक कपल ऑफ of... क्लर्स uh, को दो तीन क्लर्कस को छोड़ के ही बाकी जो भी लोग थे स्टूडियोज़ के वो सारे के सारे यहाँ पे बैठ फुर्सत में बैठते थे जो कि जरूरी था किसके लिए पोइट्री के लिए, लिए. यानी कि जब आप पोइट्री पोइट हो या, या, या स्टोरी राइटर हो तो ये जरूरी होता है कि आप थोड़ा फुर्सत में टाइम स्पेंड करो अपना जिससे कि नए आइडियाज़ के लिए जगह बन सके मोस्ट ऑफ द वर्क खादी एंड वर्शिप गांधीज बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द देंटेस्ट अप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड येट यानी कि उनमें से काफ़ी सारे लोग जो थे वो खादी पहनते थे और गांधी को वर्शिप भी करते थे गांधी जी को मानते थे बट बियॉन्ड दैट लेकिन इस सबके अलावा इस सबसे परे वो किसी भी पेंटेस्ट अप्रिसशन में नहीं थे पॉलिटिकल थॉट के यानी कि वो किसी भी तरीके के पॉलिटिकल थॉट को आ, इस जगह नहीं देते थे अपने लाइफ में ठीक है आगे देखते हैं नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म और वो सारे के सारे जो लोग थे एवर्स करते थे एवर्स का मतलब होता है हेट घृणा करना टर्म कम्युनिज्म से वो सारे के सारे घृणा करते थे क्योंकि अ कम्युनिस्ट उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो क्योंकि कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट ये जो वर्ड है ये हिटलर से आ, कहीं ना कहीं एसोसिएट होते थे और हिटलर को माना जाता है कि उसने लोगों का सारा पैसा सारी चीजें ले ली पॉलिटिक्स में आ गया और फिर उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे कम्युनिज्म वर्ड को वो क्या करते थे एवर्स करते थे सभी लोग क्योंकि वो कम्युनिज्म वर्ड को उस टाइम पे हिटलर जबकि बहुत पहले हो गया था उससे लेकिन फिर भी वो लोग उसको उसी से अटैच करते थे अब क्या बोलते हैं कि अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन ऐसा माना जाता था कि जो कम्युनिस्ट होता है वो एक गॉडलेस मैन था ही हैड नो फेलियर और कॉन्जुगल लव ना तो उसको फैलियर लव होता है ना ही कॉन्जुगल लव होता है फैलीर का मतलब होता है अपने बच्चों से प्यार बेटा बेटी ठीक है उनसे प्यार नहीं होता एंड कॉन्जुगल लव और नहीं कॉन्जुगल लव कॉन्जुगल लव एक तरीके से कहो कि वैवाहिक प्यार नहीं होता यानी कि अगर लेडी है तो उसको अपने हस्बैंड से प्यार नहीं होता हस्बैंड है तो उसको अपनी वाइफ से प्यार नहीं होता ऐसा होता है कम्युनिस्ट इंसान ठीक है आगे ही हैड नो कंपनसन अबाउट किलिंग ऑफ हिज ओन पेरेंट्स एंड और हिज चिल्ड्रन ना तो उसको अपने बच्चों को और न ही पेरेंट्स को मारने में किसी तरीके की झिझक होती है यानी कि वो मार देता है डायरेक्टली सो so, किसी तरीके का दुख नहीं होता ही वॉज ऑलवेज आउट ऑफ कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वॉयेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल वो हमेशा क्या रहता है कॉज होता है कारण बनता है किसका स्प्रेड करने का अनरेस्ट एंड वॉयेंस वायलेंस स्प्रेड करने का इनोसेंट और इग्नोरेंट पीपल के बीच में ठीक है तो वो हमेशा कम्युनिस्ट के बारे में ऐसा माना जाता था सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर ऐसे ही नोशंस ऐसे ही विचार नोशन मीन्स आइडियाज प्रिवेल्ड थे हर जगह पे इन द साउथ इंडिया साउथ इंडिया में दैट टाइम ऑल्सो उस टाइम पे भी नेचुरली फ्लोटेड फ्लोटेड अमंग द खादी क्लैड पॉइंट ऑफ जैमनी स्टूडियोज और नेचुरली फिर जब वहां पूरे साउथ इंडिया में सारी चीजें प्रिवेल्ड है कम्युनिस्ट के रिगार्डिंग तो यहाँ पे वैग्युली फ्लोटेड होंगी ही चीजें किसके खादी क्लैड ऑफ पोइटनी स्टूडियो जर्मनी स्टूडियोज़ के जो खादी क्लाइडेड खादी पहने हुए जो पोएट्स हैं उनमें भी यही चीजें होंगी यानी कि वो भी कम्युनिस्ट को इसी तरीके इसी तरीके तरीके से से एसोसिएट करते होंगे मानते होंगे एविडेंस ऑफ इट वॉज सोन फोर्थ कमिंग इस चीज का एविडेंस अपने सामने जल्दी ही आने वाला था या जल्दी ही आ रहे थे इस चीज के परिणाम आगे देखते हैं वेन यस स्टूडेंट्स आगे देखिए वेन फ्रेंक सॉरी वैन फ्रेंक बुचमैन्स मोरल येस हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग इसका एविडेंस इसका प्रूफ uh, अभी आगे आने वाला था तो वैन फ्रेंकमैन बुचमैन्स मोरल री एमोनेंट आर्मी देखिए मोरल री एमोनेंट आर्मी एम आर ए बोला जाएगा इसको आगे चैप्टर के अंदर तो जब फ्रेंक बुचमैन की जो मोरल री एमोनेंट आर्मी थी समू हंड्रेड स्ट्रोंग 1952 1952 जो कि 1952 में विजिट करने के लिए madras आई थी ये ठीक है इस यानी uh, को ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी बोला गया था जो कि फाउंड किया था इसके फाउंडर थे कौन फ्रैंक बुचमैन तो ये यहाँ पे अपने 200 हंड्रेड uh, की थी, आर्मी थी सेना थी लोग थे उनके साथ में मद्रास विजिट के लिए आए थे 1952 में इन इंडिया in उन होस्ट इन इंडिया देन द जैमनी स्टूडियो उनको नहीं मिल सकता था अच्छा होस्ट होस्ट कौन होता है जो कि सारी चीजों का ध्यान रखता है अरेंज करता है किसी चीज़ को किसी को रिसीव करता है रिसीवर होस्ट होता है तो इंडिया में जैमनी स्टूडियो से अच्छा होस्ट उनके लिए कोई नहीं हो सकता था समवन कॉल्ड कॉल द ग्रुप एंड इंटरनेशनल सर्कस किसी ने इस ग्रुप को ऑक्सफोर्ड ग्रुप को कहो या फिर मोरल दी दर्मनेंट आर्मी को कहो इसको क्या कहा था इंटरनेस इंटरनेशनल सर्कस कहा था आप इसको नेट पे भी सर्च करोगे तो ये इंटरनेशनल सर्कस बोला गया है क्यों बोला गया है इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ इसको इसलिए बोला गया है कि ये जो टू पीपल इसमें थे ये अलग अलग साइज अलग अलग कलर अलग अलग नेशनैलिटीज़ के थे है ना तो ये अलग अलग नेशनैलिटीज़ के थे इसलिए इसको सर्कस में भी क्या होता है ऐसे ही होते हैं अलग अलग साइज़ कलर ठीक है बहुत सारी चीज़ें लोगों की अनसिमिलियर होती हैं तो इसको कहा गया था इंटरनेशनल सर्कस इसलिए इसको बोला गया था किसको रिमोर रिअर्मानेंट आर्मी को आगे देखिए दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपाजे अब जो वर्ड आया है ट्रेपाजे ट्रेपाजे देखिए ये होता है यानी कि श्रह वो आर्ट होती है जिसको सर्कस में करते हैं लेकिन ये कोई सर्कस मैन थोड़ी थे ये तो कौन थे कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे ठीक है क्योंकि हिटलर एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा लीडर प्रूव नहीं हुआ इसलिए लोगों को इस कम्युनिज्म कम्युनिस्ट वर्ड से घृणा हो गई हेट हो गई अवर्स हो गया लेकिन ऐसा नहीं था जो कम्युनिज्म था जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अच्छी थी वो लोग का बहुत ख्याल रखती थी ठीक है तो ये जो लोग आए थे अब फ्रैंक ये कौन थे फ्रैंक बुचमैन की जो मोरल डियामानेंट आर्मी आई थी इसमें दो दो सौ लोग के करीब थे और ये लोग मद्रास विजिट पे आए थे नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी टू में और जैमनी स्टूडियोज़ ने इसका इनका क्या किया था आ, होस्ट किया था इन लोगों को यानी कि इनको रिसीव किया था आगे देखिए और किसी ने इस ग्रुप को क्या कहा था इंटरनेशनल सर्कस कहा था इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है और आगे क्या है कि वो ट्रेपाजे में गुड नहीं थे अरे जब वो सर्कस था ही नहीं तो वो ट्रेपाजे में गुड कैसे होते यानी कि इस आर्ट में वो अच्छे नहीं थे तो कैसे होते एंड देय Uh, 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 acquaintance, acquaintance भी, भी ियन होते, uh, होते थे थीके? आगे है बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर लेकिन वहां पर जर्मनी स्टूडियोज के अंदर उन्होंने दो प्लेज परफॉर्म किए जो कि बहुत प्रोफेशनल मैनर से परफॉर्म किए उन्होंने और उनका नाम था एक तो था जोना वैली वैली एक का नाम तो था जोथाम वैली और दूसरा था, था द फॉगोटन फैक्टर तो दो प्ले उन्होंने परफॉर्म किए वो टू हंड्रेड पीपल जो कि इस एमआरए के थे उन्होंने दो प्लेज परफॉर्म किए जैमनी स्टूडियोज के अंदर एक तो था जोथाम वैली और दूसरा था द फॉर गॉटन फैक्टर ठीक है एंड रेन सैवरल शोज इन मद्रास और इसके अलावा काफ़ी सारे शोज और किए मद्रास के अंदर एंड अलॉन्ग विद अदर सिटीजन ऑफ द सिटी और जो शहर के जो दूसरे अच्छे सिटीज़न थे उन लोगों के पास में भी वहाँ भी उन लोगों ने काफ़ी सारे शोज किए ठीक है एंड द जैमिनी फैमिली ऑफ सिक्स हंड्रेड सॉ द्लेस ओवर एंड ओवर अगेन और जो जैमिनी फैमिली थी उसमें सिक्स uh, हंड्रेड कितने थे सिक्स हंड्रेड पीपल थे यानी कि सिक्स हंड्रेड वर्कर थे तो उन्होंने भी सो ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब बार बार उन शोज को उन प्लेज को क्या किया देखा उन प्लेज को बार बार देखा उन सिक्स हंड्रेड की फैमिली ने जैमनी स्टूडियो की द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजली प्लेन एंड सिंपल जो मैसेज था उस uh, उन प्लेज का वो बहुत प्लेन था बहुत सिंपल था हॉमिलीज होमिलीज़ का मतलब होता है रिलेटेड टू सरमन्स यानी कि उपदेश थे धर्मोपदेश थे एक तरीके से उन प्लेज के अंदर यानी कि बहुत अच्छे धार्मिक रूप से उनको क्या किया गया था प्ले किया गया था आगे कहते हैं बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट लेकिन उनका जो सेट था उनका जो कॉस्ट्यूम था उन लोगों का वो फर्स्ट रेट का था मतलब एकदम ब्रांड था जिसको कहोगे बहुत कॉस्टली था ठीक है प्ले जो थे वो बहुत सिंपल थे प्लेन थे लेकिन उनके कॉस्ट्यूम्स उनका जो सेट था वो फर्स्ट रेट का था आगे कहते हैं मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थी ना उन्होंने टेरिबली वो इससे इम्प्रेस हो गए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उनके इन दोनों प्लेस से एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड सीन और कुछ सालों तक लगभग सारे ही जो तमिल प्लेज हुए उसके बाद में उन सब में सेम सीन से, आ, सेट किया जाता था सनराइज का और सनसेट का मैनर ऑफ जोथाम वैली एंड जोथाम वैली में जिस तरीके का सीन उन लोगों ने सेट किया था वैसा ही आगे आने वालों आगे आने वाले सभी तमिल प्लेज जो हुए उनमें वही सेट वही सीन सेट किए गए सनराइज और सनसेट के टाइम के विद अ बेयर स्टेज जिसमें क्या होता था एक बेयर स्टेज होता था खाली स्टेज अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन होता था एंड ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट और फ्लूट पे ट्यून प्ले की जाती थी फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी इट वॉज समयर्स लेटर कुछ वर्ष बाद क्या हुआ आई लर्न दैट एम आर ए वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसिस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इन टू देअर हैंड्स अब क्या होता है राइटर जो अशोक मित्रन जी हैं वो बोलते हैं कि मुझे पता चला कुछ वर्ष बाद मुझे पता चला कि जो एम आर था ना वो क्या था एक तरीके का काउंटर मूवमेंट था मूवमेंट क्या होता है प्रचार इसको आप कह सकते हो प्रचार था किसका इंटरनेशनल कम्युनिज्म का जिसमें कि जो बिग बॉसेस थे मद्रास के लाइक वासन वासन कौन था उनका जैमनी स्टूडियोज का बॉस था फाउंडर था ठीक है तो जैमनी स्टूडियोज के जो फाउंडर थे वो और दूसरे जो लोग थे उनके जैसे उन सब ने क्या किया वो सब क्या बन गए उनके हाथों के कठपुतली बन गए एक तरीके से ठीक है कहेंगे इन टू देयर हैंड्स सिंपली प्लेड इंटू देयर हैंड्स वो उनके हाथों में नाचने लगे थे उस टाइम पे आई एम नॉट श्योर हाउ ओवर मुझे नहीं पता कैसे बट दिस वॉज इन डीड इन डीड द केस फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज लेकिन मुझे नहीं पता कि इनका क्या चेंज uh, क्या हुआ क्या फ़र्क पड़ा ठीक है तो वो बोलते हैं दैट इट वॉज सॉरी वापस करते हैं आई वॉज नॉट श्योर हाउवर मुझे नहीं पता कैसे ठीक है ये था। ये ही केस था वास्तव में कि ये जो सारे बॉस थे के के, मद्रास के, वो उनके हाथों की कठपुतलियां बन गए थे फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट ऑफ दिज बिग बॉसेस और एंड एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम ना तो उन जो बिग बॉसेस थे उनके एंटरप्राइजेस में कोई चेंज आया वो सब अनचेंजेबल रहे MRA, और नो एम आर ए चाहे एम आर ए आया चाहे नहीं आया लेकिन जो बिग बॉसेस थे उनके जो एंटरप्राइजेस थे उनकी जो कंपनीज थी उनकी जो दूसरी चीज़ें थी वो सारी की सारी सेम रही इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म एम आर ए चाहे कम्युनिज्म इंटरनेशनल इंतर, कम्युनिज़्म आया हो चाहे इंटरनेशनल कम्युनिज्म नहीं आया हो चाहे एम आर ए आया हो चाहे नहीं आया हो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया ठीक है उनके जैसे वर्क पहले चल रहे थे वैसे ही चलते रहे आगे कहते हैं अशोक मित्रन जी की द स्टाफ ऑफ जैमनी स्टूडियोज हैड अ नाइस अस्टिंग टू हंड्रेड पीपल जैमनी स्टूडियो का जो स्टाफ था वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था होस्ट करने के लिए हंड्रेड ऑफ पीपल को ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस सब डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट साइज के जो लोग थे एटलीस्ट ट्वेंटी नेशनैलिटीज क्योंकि वहां पे जो टू हंड्रेड पीपल थे उनमें कम से कम ट्वेंटी नेशनैलिटीज के वो लोग वो लोग थे ट्वेंटी नेशनैलिटीज़ वहां पे थी कम से कम बीस देशों के लोग उनमें इंक्लूड थे इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स अ वेटिंग

आगे देखिए अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बर्स्ट एंड वंस अगेन एट द जेमिनी स्टूडियोज क्लियर अ होल शूटिंग स्टेज टू बी वेलकम अनदर विजिटर अब क्या होता है फ्यू मंथ्स लेटर कुछ महीने बाद ही टेलीफोन लाइन फिर से बिग बॉसेस की मद्रास के जो बिग बॉसेस थे उनकी टेलीफोन लाइन फिर से बजी एंड वंस अगेन और एक बार फिर से जैमनी स्टूडियोज़ को क्लियर कर दिया गया होल शूटिंग स्टेज को वेलकम करने के लिए दूसरे विजिटर का यानी कि एक दूसरा विजिटर फिर से जैमनी स्टूडियोज में आने वाला था पहले विजिटर तो कौन थे ये कम्युनिस्ट थे यानी कि ये जो काउंटर मूवमेंट uh, चलाने के लिए जो फ्रैंक आए थे अपनी uh, टू हंड्रेड की जो आर्मी एम के साथ में तो वो थे और अब दूसरा विजिटर एक और आने वाला था वो कौन था लेट सी ऑल दे ऑल दे सेड दैट ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड लोगों को जो बताया गया वो ये था कि वो पोइट है जो कि इंग्लैंड से आ रहा है ठीक है द ऑनली पॉइट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जर्मनी स्टाफ न्यू जो ओनली पोइट्स फ्राम इंग्लैंड इंग्लैंड से जो पोइट्स थे जिनको कि सिम्पली जैमनी स्टाफ जानता था वो कौन से थे और और हियर्ड और जिनके बारे में उन लोगों ने सुना था वर वर्ड्स वर्थ एड टेनिसन वो वर्ड्स वर्थ और टेनिसन था जिन जिन लोगों के बारे में जिन पोइट्स के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि ये पोइट्स कहें इंग्लैंड के हैं एंड द मोर लिटरल और जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो क्या करते थे किड्स को शैलिको और बैरन को भी जानते थे ठीक है एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ सम वन बाय द नेम ऑफ एलियट और एक या दो जिनको थोड़ा बहुत पता था कि इसके बारे में एलियट के बारे में ऐसे लोग कम ही थे आगे बोलते हैं जो अशोक मित्रन जी वो आगे बताते हैं हु वॉज द पोइट विजिटिंग इन द जैमनी स्टूडियोज नाउ अब 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 जो जैमिनी स्टूडियोज़ में पोइट विजिट करने वाला था वो कौन था ठीक है ये क्वेश्चन था लोगों के सामने इन लोगों के ही इज़ नॉट अ पोइट वो पोइट नहीं है ही इज़ एन एडिटर वो एडिटर है दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हम अ बिग रिसेप्शन इसलिए बॉस उसको बिग रिसेप्शन दे रहे हैं उसको आदर दे रहे हैं वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकाटन तो जो वासन थे जो कि इस फाउंडर थे इस जमनी स्टूडियोज़ के वो खुद में भी एक एडिटर थे पॉपुलर तमिल वीकली के जिसका नाम था आनंदा विकातन देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों को आप अंडरलाइन करते चलिए तमिल वीकली उनका एक आनंद विकातन करके एक न्यूज़पेपर था या मैगजीन आप इसको कह सकते हो जो वीकली थी जो कि उसके वो एडिटर थे ठीक है इसलिए यहाँ के जो लोग थे उनका मानना था कि वो भी हो सकता है पोइट नहीं हो एक एडिटर हो क्योंकि जो वासन है वो खुद भी एक एडिटर है और इसलिए वो उसको रिसेप्शन वाम रिसेप्शन दे रहा है ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन न्यूज नेम्स इन ब्रिटिश पब्लिकेशन ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास अब जो आ रहा था व्यक्ति वो कोई नोन एडि नोन नेम नहीं था ठीक है ब्रिटिश पब्लिकेशन मद्रास में उसका कोई नोन नेम नहीं था उस ब्रिटिश पब्लिकेशन का दैट इज दोज नोन एट द जैमनी स्टूडियोज ही बताया गया था जैमनी स्टूडियो को या जैमनी स्टूडियोज के जो लोग थे जो वहाँ की जो वर्कर थे उनको यही पता था बस सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव और इसका जो इनिशिएटिव था ठीक है अब पहले जो विजिटर आए उनको तो होस्ट किया था किसने जैमनी स्टूडियोज़ ने ठीक है अब जो विजिटर आ रहा है उसका जो द हिंदू है द हिंदू जो एक न्यूज़पेपर है उसके जो टॉप मैन है उसके जो अच्छे खासे लोग हैं टॉप मैन वो उनको क्या कर रहे हैं वो उनको इनिशिएटिव कर रहे हैं टेकिंग द इनिशिएटिव उन्होंने लिया उसको एंड सरमाइज़ वॉज द पोइट सरमाइज़ का मतलब होता है डाउट एंड सरमाइज़ वॉज दैट और डाउट ये था कि जो पोइट था वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली क्या वो डेली का आ, एडिटर था एंड नॉट फ्रॉम एक मिनट वापस देखिए इसको सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव इसका इनिशिएटिव कौन ले थे द हिंदू के जो टॉप मैन थे वो एंड द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ द डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंडन टाइम्स और इस चीज का डाउट था कि जो पोइट है वहाँ पे वो ए, आ, एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर या डेली मैगजीन का किसी का एडिटर है एडिटर uh, हो सकता है बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन लेकिन मैनचेस्टर गार्जियन और लंडन टाइम्स का तो वो एडिटर बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ का डाउट वहाँ के लोगों को जेमी स्टूडियोज को अशोक मित्रन को सब लोगों को था दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंगस न्यू अशोक मिथ्रन जी बोलते हैं कि यही चीज थी जो कि जिस चीज का हम लोग को बहुत अच्छे से इन्फॉर्म किया गया था जो बताया गया था कि वो मैंचेस्टर गार्जियन का लंडन टाइम्स का एडिटर नहीं है ठीक है दैट एट अ लास्ट अराउंड फोर इन द आफ्टरनून द पोइट और द एडिटर अराइट अब क्या होता है लास्ट में फोर अराउंड फोर इन द आफ्टरनून दोपहर बाद चार बजे के करीब जो पोइट और या फिर जो एडिटर है वो पहुंच चुका था ही वॉज अ टॉल मैन एक लंबा आदमी था इंग्लिश मैन था वेरी सीरियस एंड कोर्स वेरी अनोन टू ऑल ऑफ अस और वास्तव में हम लोगों के लिए बिल्कुल भी, अन, बिल्कुल भी ही अनोन था हम लोग उसको बिल्कुल भी नहीं जानते थे बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज अब क्या हो रहा था हाफ अ डजन यानी कि छह पेडेस्टल फैन चल रहे थे शूटिंग स्टेज पे ठीक है और वहाँ पे जो द बॉस था हमारा जो वासन थे वो क्या कर रहे थे आउट ऑफ अ बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच और हमारे जो बॉस थे यानी कि जो वासन जी थे वो एक स्पीच रीड कर रहे थे स्टेज पे ठीक है छह पंखों के सामने बैठ के इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेसियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर इट वॉज ऑब्वियस ये निश्चित था बिल्कुल कि वो भी बहुत ही कम लिटिल वेरी लिटिल प्रिसियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर न्यू कि वो भी बहुत ही कम जानते थे उस पोइट और उस एडिटर के बारे में द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स जो स्पीच था वासन का वो बहुत ही जनरल टर्म्स में था बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी लेकिन उसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी वाले वर्ड्स को हम सुन सकते थे ठीक है देन द पोइट स्पॉट फिर उसके बाद में जो पोइट था वो बोला ही कूडेंट हैव एड्रेस अ मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस वो उसने कभी एड्रेस नहीं किया था इतने डेज्ड और इतने साइलेंट ऑडियंस को डेज्ड का मतलब होता है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेविल्डर्ड कन्फ्यूज मीन्स जब उनको समझ ही नहीं आएगा तो वो तो ऐसा ही लगेगा कि कन्फ्यूज है साइलेंट ऑडियंस और जब समझ नहीं आएगा तो वो चुप ही बैठे रहेंगे तो जो ये पोइट था वो उसने पह इससे पहले कभी भी इतने साइलेंट और इतने डेज्ड बेवलडर्ड ऑडियंस को कभी एड्रेस नहीं किया था एंड नो वन न्यू वॉट वॉज ही टॉकिंग अबाउट उन लोगों में से यानी जैमनी स्टूडियो के जो लोग थे उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो क्या बातें कर रहे हैं एंड इज असेंट डेफिटेड एनी अटैम्प्ट ऑफ टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग और उसका जो असेंट था उसका जो बोलने का तरीका था ठीक है उसने सारे ही अटैम्प्ट को समझने के सारे अटैम्प्ट को क्या कर दिया डिफ़ीट कर दिया कि वो क्या बोल रहा था वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाए थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर भी रहे थे तो उसका जो तरीका था बोलने का वो अलग था ठीक है

साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्म जिस स्टूडियो में बनती है वहाँ पे इंग्लिश पोइट क्या करने के लिए आया है ठीक है तो हम सारी चीज़ें सोचने लगे पीपल हुज लाइव लीस्ट अफोर्डेड दैम टू द एबिलिटी सॉरी पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ही कम अफोर्ड कर पाते हैं इंग्लिश पोइट्री के टेस्ट को तो वहाँ पे एक इंग्लिश पोइट इस तमिल फिल्म के स्टूडियो में क्या करने आया है ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी एंड द पोइट लुकड प्रेटी बेफल्ड टू जो पोइट था वो भी थोड़ा सा बेफल्ड दिखाई दिया कन्फ्यूज दिखाई दिया फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट शीयर इन इनकॉन्ग्रुटी तो ये जो था वो भी थोड़ी बहुत क्या इनकॉन्ग्रुटी फील कर रहा था यानी कि ट्रबल फ़ील कर रहा था और फिर टॉक अपनी बातों में अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट यानी कि जो उसकी थ्रिल्स थी यानी कि उसकी जो रोमांच की बातें थी उनमें एंड ट्रेवल्स का मतलब होता है सॉरी इन वापस इसको देखीजिए दो तो पोइट था वो लुक्ट प्रेटी वेफल्ड वो भी वेफल्ड दिखाई दिया कन्फ्यूज दिखाई दिया फॉर दिखाई दिया फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट शेयर इन कॉम्युनिटी इन कॉम्युनिटी का मतलब होता है अयोग्यता वो ऐसा फील कर रहा था कि वो बात करने में बिल्कुल सक्षम ही नहीं हो पा रहा है वो बात ही नहीं कर पा रहा है है ना किसके बारे में अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट कि एक इंग्लिश पोइट को किन थ्रिल्स को किन रोमांच को वो फील करता है एंड ट्रेवल्स किन ट्रबल्स को वो फील करता है इंग्लिश पोइट वो सारी चीज़ें वो इन लोगों को बता पाने में अयोग्य महसूस कर रहा था अपने आप को कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ उन लोगों को हिज विजिट रिमेड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री और ये जो पोइट था उसकी जो विजिट थी वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री की तरह रही ठीक है यानी कि जिसको कोई समझ नहीं पाया द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड में नॉट एडमिट इड जो ग्रेट प्रोज राइटर है वर्ल्ड के वो उसको एडमिट नहीं कर सकते बट माई कन्विंशन ग्रोज स्ट्रांगर डे बाय लेकिन मेरी जो सोचने की कैपेसिटी वो स्ट्रांगर होती गई डे बाई डे बाय डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस की जो प्रोज राइटिंग है वो एक जीनियस का परस्यूट नहीं हो सकती जीनियस को तो कुछ और करना चाहिए इट इज फॉर द पेशेंट ठीक है पेशेंट अब यहाँ पे जो पेशेंट है वो बीमार के लिए नहीं आया ये आया है अनकम्प्लेनिंग के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट मीन्स अनकम्प्लेनिंग परसिस्टेंट मीन्स डिटर्मेंट और परजर्विंग का मतलब होता है कीन वर्कर ठीक है तो ये जो प्रोज राइटिंग होता है एक पेशेंट का परसिस्टेंट का और परजर्विंग ड्रेस का परजर्विंग ड्रेस पूरे ही जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है परजर्विंग ड्रेस का न हार्ड वर्कर बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर विद अ हार्ड सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट और ऐसे हार्ड के साथ जो कि बहुत श्रंकन हो बहुत ही छोटा सा हो जिसको कोई ब्रेक ना कर पाए एंड रिजेक्शन स्लिप डजेंट मीन अ थिंग टू हिम और जो रिजेक्शन स्लिप है अगर उसको रिजेक्शन स्लिप मिल जाती है अपने किसी प्रोज वर्क के लिए तो वो क्या ना करे डजेंट मीन द थिंग टू हिम वो उस पर ध्यान ना दे ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी और तुरंत ही वो क्या करे एक फ्रेश कॉपी बनाए ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस लॉन्ग प्रोज पीस की एंड सेंड इट टू अनदर एडिटर क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट और इसको दूसरे एडिटर को सेंड कर दे यानी कि जो प्रोज होता है वो प्रोज राइटिंग जीनियस uh, का काम नहीं होता सिर्फ जीनियस का काम नहीं होता ये एक ऐसे व्यक्ति का काम होता है जो कि क्या कर सके अनकम्प्लिनिंग हो डिटरमेंट हो जो किसी चीज़ की कंप्लेन ना करे जो डिटरमेंट हो यानी कि हर चीज़ के लिए करने के लिए बिल्कुल रेडी हो और हार्ड वर्कर हो और इतने छो, श्रंकन हार्ट वाला हो कि उसके हार्ट को कोई तोड़ ना पाए मतलब एवर रेडी कि की करना है चाहे कोई एक बार उसको मना कर दे लेकिन फिर उसको वापस से शुरू करेगा तो ऐसा होना चाहिए एक प्रोज राइटर आगे देखिए आगे बोलते हैं हाँ इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हेड पब्लिस्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट अब क्या हुआ इट वॉज फॉर सच पीपल ये ऐसे लोगों के लिए था दैट द हिंदू हैड पब्लिस्ड जैसे कि हिंदू में पब्लिस्ड हुआ था एक बार एक टाइनी अनाउंसमेंट और इन एन असाइनमेंट इसिग्निफिकेंट कॉर्नर एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट कॉर्नर में एक अनाउंसमेंट वहाँ पे पब्लिश हुआ था द हिंदू के अंदर ठीक है द हिंदू न्यूज़पेपर था उसके अंदर एक अनाउंसमेंट पब्लिश हुआ था एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में और वो अनाउंसमेंट क्या था ऑफ एन अन्पॉर्टेंट पेज एक अनइम्पॉर्टेंट पेज पे वो हुआ था अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट और वो क्या था कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट है जो कि ऑर्गेनाइज होगा बाई बाय अ ब्रिटिश पेरीडो पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ द एनकाउंटर कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसमें ब्रिटिश पेरीओडिकल में नेम क्या है उस पेरीडिकल का द एनकाउंटर यानी कि द एनकाउंटर के नाम से एक मैगजीन है ब्रिटिश मैगज़ीन है ये उसमें ही ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की जाएगी तो इस तरीके से एक कॉन्टेस्ट निकला शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट निकला ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉज एंट कमोडिटी कॉमोडिटी अमंग द जैमनीज लिटरेटी तो जो वास्तव में जो द एनकाउंटर करके जो एक मैगजीन था उसको जैमिनी स्टूडियो के लोग जानते नहीं थे तो ये जो अशोक मित्रन जी हैं वो बोलते हैं आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द प्रिडिकल बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम ऑफ पॉस्ट इज सेंडिंग द अ मेन स्क्रिप्ट आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया अब मेरे को क्या था एक आइडिया लेना था मैंने आइडिया लेना चाहा पीरियडिकल के बारे में इस पर कंसिडरेबल सम स्पेंड करने से पहले यानी कि अब इस पर ख़र्चा करने से पहले क्योंकि जो जो स्टाम्प वगैरह लगते हैं जब उसको इंग्लैंड सेंड करेंगे उस एनवलअप को तो वहाँ पे खर्चा होगा तो उस खर्चे को करने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं पहले जान लेता हूँ इस पीरियडिकल के बारे में द एनकाउंटर के बारे में मैं जान लेता हूँ कि ये चीज़ क्या है ठीक है आगे देखिए इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लिटरेरी हैड एंड एंट्रांस उन दिनों में क्या था कि जो ब्रिटिश काउंसिल लिटरेरी थी लि, सॉरी लाइब्रेरी थी हेड एंड एंट्रेंस उसके एंट्रेंस उसका जो एंट्रेंस था विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस उस पर ना तो कोई साइन बोर्ड्स थे ना ही कोई नोटिस लगे थे जो कि आपको ये फील कराएंगे कि आप स्नीकिंग कर रहे हो स्नीकिंग का मतलब एंट्रिंग एंट्रिंग कर रहे हो किसमें ए फॉरबिडन एरिया फॉरबिडन एरिया मतलब जिसको कहो कि जिसका आपको पता ना हो ठीक है अननोन एरिया जिसको कहो कि तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स या फिर नोटिस बोर्ड नहीं लगे थे जिस जो कि आपको फ़ील कराते हैं कि आप किसी अननोन एरिया में एंट्रिंग कर रहे हो एंटर कर रहे हो एंड देवर कॉपीज़ ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन अ वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाई द रीडर्स और जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा कि जो द एनकाउंटर था उसकी वेरियस उसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ ठीक है फ्रेशनेस में पड़ी हुई थी उनको रीडर्स ने टच भी नहीं किया था यानी कि अनटचड पड़ी हुई थी उसकी कई सारी कॉपीज़ मैंने आई रीज द एडिटर्स नेम जब मैंने एडिटर का नाम देखा आई हर्ड अ बेल रिंग इन माई श्रंकन तो मैंने सुना जैसे कि मेरे दिल में कोई घंटी बजी है क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ अशोक मेथरन जी के साथ में वो देख लीजिए आई फेल्ट इन माई हार्ट देखिए इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जर्मनी स्टूडियोज़ ये वो पोइट था उसका जो एडिटर था उस द एनकाउंटर का वो कौन था जिसने जर्मनी स्टूडियोज़ में विजिट किया था अभी कुछ टाइम पहले आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लास्ट ब्रदर मैंने ऐसा महसूस किया कि मुझे लॉन्ग लास्ट ब्रदर मिल गया बहुत पहले खोया हुआ अपना कोई भाई मिल गया एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवल जब और मैंने गाया नहीं एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवल्प एंड रोट आउट हिज एड्रेस मैंने एनवेलप पर सील लगाया और उसका एड्रेस लिख डाला मतलब मैंने उस एड्रेस पे एक स्टोरी लिख के भेज दी आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम मैं ये फील कर रहा था कि वो भी सेम टाइम पर सेम ही चीज़ फील कर रहा होगा लॉन्ग लास्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर इचदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग अब जब उसने ये नाम पढ़ा वहाँ पे द एनकाउंटर पे वहाँ पे स्टीफन स्पीज स्टीफन, स्टीफन, स्टीफन स्पेंडर करके नाम लिखा हुआ था उस मैगजीन के एडिटर की जगह पे ठीक है तो ये पहले ही जैमनी स्टूडियोज में घूम के गया था विजिट करके गया था तो उसको लगा कि वो तो उसको बहुत अच्छे से जानता है इसलिए वहां पे स्टोरी पोस्ट करेगा और उसको ऐसा लगा कि ये फेमिलियर है तो ये कॉन्टेस्ट मैं ही जीतूंगा ठीक है तो मुझे जानता है तो ये कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगा तो हम क्या है उसको ऐसा लगा कि वो उसका खोया हुआ भाई है ठीक है तो अब जब मेरा जो लेटर है वो उसके पास में जाएगा तो वो भी इन्हीं चीज़ों को सोचेगा कि अरे ये तो जैमनी स्टूडियो का वो मेम्बर है अशोक मित्रन है ठीक है तो वो मुझे कॉन्टेस्ट में ज़रूर से जिताएगा तो उसके माइंड में भी वही चीज़ें चलेंगी तो यहाँ पर ये कहता है कि रील में तो गाना गाते हुए बिछुड़ जाते हैं और लास्ट की जो रील होती है हिंदी मूवीज की उसमें वो गाना गाते मिल जाते हैं। अब क्या है? रील, film, Stephen Spender, Stephen, उनका नाम था जो कि उस एनकाउंटर के कौन थे एडिटर uh, थे ठीक है आगे देखिए एंड ईयर्स लेटर वेन आई वॉज़ आउट ऑफ जैमनी स्टूडियोज़ और ईयर्स लेटर जब मैं जैमनी स्टूडियो से बाहर आ गया जब मैं जैमनी स्टूडियो में नहीं था एंड आई हैड मच टाइम और मेरे पास टाइम बहुत था लेकिन पैसा नहीं था एनी थिंग एट अ रिड्यूज प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन कोई भी चीज़ जो कि रिड्यूज प्राइस में होती थी कम पैसों में होती थी मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेती थी ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस अब क्या था कि फुटपाथ uh, पे फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने देर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स पे एक ढेर था नई बुक्स का ठीक है फॉर फिफ्टी पैसे ईच और हर एक बुक की जो कॉस्ट थी वो क्या थी फिफ्टी पैसे थी एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एक ही बुक की कॉपीज थी सारी द एलिगेंट पेपर ऑफ द अमेरिकन ऑरिजन अमेरिकन ऑरिजिन की वो बुक थी एलिगेंट पेपर था उनका पेपर बैक मतलब कवर जो होता है वो बहुत अच्छा था काफ़ी अच्छा था स्पेशल लो प्राइज स्टूडेंट एडिशन लो प्राइज़ इसलिए था क्योंकि वो स्टूडेंट एडिशन था इन कनेक्शन विद द फिफ्टी फिफ्टींथ एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवोलूशन रशियन रिवोल्यूशन का फिफ्टींथ एनिवर्सरी था इसलिए उसके उसकी खुशी में ये क्या था एक लो प्राइज स्टूडेंट एडिशन वहाँ पर पड़ा था कि कोई पढ़ना चाहे ले जाना चाहे तो ले जा सकता है फिफ्टी पैसेज में आई पेड फिफ्टी पैसे एंड पिक्ड अ कॉपी ऑफ द बुक द गुड दैट फील्ड सॉरी द गॉड दैट फील्ड मैंने भी फिफ्टी पैसे पे किए और एक कॉपी उसकी उठा ली और बुक जो थी उसका नाम था द गॉड दैट फील्ड ठीक है सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट एसिस डिस्क्राइब देयर जर्नीज इन टू कम्यूनिज्मयर डिस अल्यूजन रिटर्न अभी यहाँ पर जो अशोक मित्रन जी हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस बुक में उस बुक में जिसका कि नाम था द गॉड दैट फील्ड उसमें सिक्स एमिनेंट एमिनेंट का मतलब होता है फेमस मैन ऑफ लेटर्स में यानी कि बहुत बुद्धिमान स्कॉलर्स जो थे जो बुद्धिमान व्यक्ति थे या बहुत अच्छे जो इंसान थे ठीक है वो डिस्क्राइब किए थे अपने सिक्स अपनी अपनी जर्नीज को इन टू कम्युनिज्म कम्युनिज्म के अंदर अपनी जर्नीज़ को वो डिस्क्राइब किए थे एंड देर डिसल्यूजन और उनका जो भ्रम था फिर वहाँ से वो किस तरीके से रिटर्न हो गई यानी कि कम्युनिज्म में एक बार उन्होंने एंट्री की फिर क्योंकि इसके इसमें इसका डिसल्यूजन जो था इसका जो भ्रम था वो उस भ्रम की वजह से उन्होंने उसको जन ज्वाइन तो कर लिया लेकिन फिर वो वहाँ से किस तरीके से रिटर्न हो गए जब उनको उन लोगों की चीज़ें अच्छी नहीं लगी कम्युनिज्म की जो चीज़ें थी उनके जो रूल्स थे वो अच्छे नहीं लगे तो किस तरीके से वहाँ से रिटर्न हुए तो ऐसी सिक्स फेमस पर्सनैलिटीज़ ने सिक्स मैन ऑफ लेटर्स ने छः विद्वानों ने अपने अपने ऐसे uh, इसको डिस्क्राइब किया ठीक है एंड्रे गाइड पहले जो थे वो एंड्रे गाइड थे दूसरे रिचार्ड रेट थे सॉरी रिचार्ड राइट तीसरे थे जो एग्नेजियो सिलोने तो चौथे थे आर्थर कॉयलेटर पांच में लुइस फिशर देखिए लुइस फिशर ये वो हैं जिन्होंने इंडिगो चैप्टर को लिखा है ठीक है तो लुइस फिशर और लास्ट में जो थे वो थे स्टीफन स्पेंडर जो कि अभी कुछ टाइम पहले आए थे अब इन्होंने जब इन छह लोगों का नाम वहां पे लिखा हुआ देखा तो स्टीफन स्पेंडर ऐसे सरप्राइज हुए कौन अशोक मित्रन स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमैंड अचानक से उनको जो वो बुक थी वो क्या लगी ट्रिमेंडस लगी ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस भयानक सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस की वो बुक उनको लगी अब क्या किया स्टीफन स्पेंडर द पोइट ये बुक में तो उसका नाम लिखा है स्टीफन स्पेंडर का उस पोइट का जिसने कि भी विजिट किया था जैमनी स्टूडियोज का इन अ मोमेंट एक ही क्षण में आई फेल्ट अ डार्क चेंबर ऑफ माई माइंड लिट बाय मिनट हाँ आ, हम लोग बात करते हैं माइंड लिट बाय हैजी एल्यूमिनेशन अब क्या हुआ जब अशोक मित्रन जी वो बोलते हैं एक ही क्षण में मैंने फील किया डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड जो कि डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड था मेरे माइंड का जो अंधेरा कोना था वो क्या हो गया है लिट हो गया है एल्यूमिनेशन से यानी कि उसमें प्रकाश जल गया है उसमें लाइट आ गई है एक तरीके से मतलब फिर मुझे सारी चीज़ें समझ आने लगी वो ये बोल रहे थे कि फिर मुझे सारी चीज़ें समझ आएंगी मैं कड़ियाँ जोड़ने लगा कि वो यहाँ क्यों आया था और ये अच्छा ये कम्युनिस्ट था कम्युनिज्म में इसने एंट्री की थी फिर वहां से इसने छोड़ दिया था इसलिए यहाँ आया था क्योंकि हम लोग भी कम्युनिज्म को नहीं मानते थे ठीक है इसलिए हमारे बॉस ने इसको क्या किया था अलाउ किया था आने के लिए तो आगे देखिए द रिक्री द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जैमनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री अब जो उनका विजिट था स्टीफन स्पेंडर का अब वो कोई मिस्ट्री नहीं था बहुत लंबे टाइम तक मिस्ट्री नहीं रह पाई थी एंड द बॉस ऑफ द जैमनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोइट जैमनी स्टूडियो के जो बॉस थे ना उनका भले ही कोई स्पेंडर की पोइट्री के साथ में कोई कनेक्शन रहा ना रहा हो या ना रहा हो बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड लेकिन उनके उस बुक के साथ में जरूर रहा होगा जिसका नाम था द गॉड दैट सॉरी बट नॉट विद हिज गॉड दैट फिट उसके साथ में निश्चित रूप से ही यानी कि उस बुक की वजह से ही या ये कहिए कि वो कम्युनिज़्म से किस तरीके से बाहर आए थे और अब कम्युनिज़्म को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे कम्युनिज्म के अगेंस्ट में थे इस वजह से जो हमारे बॉस थे एस एस वासन उन्होंने उसको इनवाइट किया था सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है क्लियर हो गया होगा और एंड आई होप कि आप इसके इस रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे जैसे कि हम चलो यहीं से ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज आप इसका नाम बिल्कुल आराम से ब, बता सकते हो स्टीफन स्पेंडर था भाई इंग्लिश विजिटर कौन था स्टीफन स्पेंडर था ठीक तो है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु इज़ द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज कैसे ऑथर ने डिस्कवर किया कि इंग्लिश विजिटर कौन था स्टूडियो में ठीक है तो ये भी उन्होंने कर लिया इस बुक के थ्रू और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू ये किस चीज़ को रेफ़र करती थी ये कम्युनिज्म को रेफर करती थी कि किस तरीके से उन्होंने कम्युनिज्म में एंट्री ली और फिर आ, उससे बाहर आए तो ये उस चीज़ को रेफर करती है अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लें आप ने अगर इसको जैसे सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वाई इज द इंग्लिश मैं विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेंड मिस्ट्री क्यों इसको इंग्लिश मैन की विजिट को रेफर किया गया है अनएक्सप्लेंड मिस्ट्री भाई इसलिए किया गया है क्योंकि ये हर किसी की समझ से बाहर थी ठीक है तो अनएक्सप्लेंड मिस्ट्री की तरह रह गई कि ना तो सुन uh, बोलने वाले को ही ठीक लगा और न ही सुनने वालों को कुछ समझ में आया ठीक है नेक्स्ट जैसे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जैमनी स्टूडियो किस तरीके का लैक ऑफ कम्युनिकेशन था वहाँ पे बिल्कुल एवरीथिंग वाज नॉट अनस्टैंडेबल असेंट जो था उसका बोलने का जो तरीका था वो बिल्कुल चेंज था तो इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप था कम्युनिकेशन की कमी थी इंग्लिश मैन और जैमनी स्टूडियो के लोगों के बारे में बीच में जैसे फोर्थ क्वेश्चन है हु वॉज द बॉस ऑफ जैमनी स्टूडियोज बहुत अच्छे से जानते होंगे बॉस कौन थे वासन थे नेम क्वेश्चन नंबर थर्ड नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जैमनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज बाय एम आर ए तो नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जैमनी स्टूडियोज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज ऑफ स्टेज बाय एम आर ए क्योंकि इसने पूछा है कि एग्जाम्पल दीजिए कि जो जैमनी स्टूडियोज था जो कि उस पर uh, जिन uh, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जैमनी स्टूडियोज वॉज इन्फ्लुएंस्ड हाँ भाई ये इसलिए था क्योंकि इसका जो नोथानम जंगम करके एक जो वो प्ले था जोथान जंगम तो वो जो प्ले था उसी की ही जो सीन्स थे वो वहाँ पर अप्लाई किए जाने लगे थे किसमें तमिल प्लेज में इसलिए बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंसड हुए थे एम आर ए से ये चीज़ इसको शो करती है एंड वाई वॉज द मोरल री आर्मामेंट आर्मी वेलकम डेट स्टूडियो में ये आर्मी क्यों स्टूडियो की क्यों वेलकम uh, की गई थी देखिए ये जो था एक काउंटर मोमेंट uh, था ठीक है तो काउंटर मूमेंट था कम्युनिज्म का ठीक है इसलिए इस आर्मी को क्या किया गया था अलाउ किया गया था uh, यहाँ का जो बॉस थे वो पॉलिटिकली एसोसिएट होना चाहते थे पावरफुल लोगों के साथ में इसलिए उन्होंने उसको क्या किया था एक्सेप्टेंस दी दे दे थी स्वीकृति दे दी थी इस यहाँ पे जैमनी स्टूडियोज में प्ले करने की डिड द पीपल एट जैमनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं भाई जैमनी स्टूडियोज के जो लोग थे वो किसी भी पॉलिटिकल में इन्वॉल्व नहीं थे सो दिस वे स्टूडेंट्स वी केम टू नो दैट नाउ आई थिंक आई होप दैट यू आर एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन ठीक है सो अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो अच्छा लगा हो समझ आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट